Hello friends, how are you? I hope you all are healthy and well-being. So welcome back to my channel. Myself Abhishek Kumar, I am your biology mentor. So today I will discuss very important and interesting chapter of the 11th NCERT, that is the morphology of flowering plant. So I hope you really enjoy this video. So if you like my video, so please subscribe my channel and like share my video with friends. And if you want to join my social media handle, so I provide a link in description box and about section of my channel. So please go through about section of my channel and click the social media icon and join with us. So I hope you really appreciate with me. So watch the video and keep support. Hello friends. Start today's topic. So today's topic is morphology of flowering plant. It is the very basic and conceptual topic of the 11th NCERT chapter number 5. So I hope you really enjoy this video. So first we read what written in NCERT textbook. After that we elaborate each and every mechanism of morphology of flowering plant in our language or very simple language. So first we read what written in textbook. So morphos means morphology. What it means? मॉर्फोस मतलब होता है शेप, मॉर्फ मतलब होता है शेप और स्ट्रक्चर, ठीक है, शेप और स्ट्रक्चर, ठीक है। और जो लॉजी मतलब होता है स्टडी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, किसी चीज़ की स्टडी करेंगे तो हम उसको बोलेंगे लॉजी, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया किसी हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे यानी उसकी शेप की, है ना, स्ट्रक्चर की स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। और हमको दिया है फ्लोरिंग प्लांट, फ्लोरिंग प्लांट का मतलब हमने देखा था एंजियोस्पर्म को हम फ्लोरिंग प्लांट बोलते हैं। तो फ्लोरिंग प्लांट हम किसको बोलते हैं, हम एंजियोस्पर्म को फ्लोरिंग प्लांट बोलते हैं, क्योंकि हमने प्लांट किंगडम में पढ़ लिया था कि फ्लोरिंग प्लांट क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म को हम फ्लोरिंग प्लांट बोलते हैं। तो हम देखते हैं टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है। द वाइड रेंज ऑफ इन स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स विल नेवर फेल टू फैक्सिनेटिंग अस। मतलब जो हमारे वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट होते हैं, मतलब हायर प्लांट यानी हमारे एंजियोस्पर्म जो होते हैं उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं हमको कभी फैक्सिनेटिंग मतलब मोहित करना, है ना। फैक्सिनेटिंग का मतलब होता है मोहित करना या आकर्षित करना, मोहित करना या आकर्षित करना यानी अट्रैक्ट करना। मतलब जो हायर प्लांट के हायर प्लांट्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर जो होते हैं हमको अपनी तरफ आकर्षित करने में कभी फेल नहीं होते हैं, है ना। इवन थ्रू द एंजियोस्पर्म सॉ सच लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी। यहाँ तक कि हमारा जो एंजियोस्पर्म होता है वो लार्ज डाइवर्सिटी शो करता है अपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को, जिसको हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। एंजियोस्पर्म अपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में लार्ज डाइवर्सिटी शो करता है जिसको हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। दे आर ऑल कैरेक्टरिस्टिक बाई प्रेजेंस ऑफ रूट स्टेम लीव फ्लावर एंड फ्रूट। मतलब इसमें है कि हमारे जो इसमें क्या क्या कैरेक्टर्स पाए जाएंगे, इसमें प्रेजेंस ऑफ रूट यानी रूट पाई जाएगी, स्टेम पाई जाएगी और लीव्स पाई जाएंगी यानी पत्तियां पाई जाएंगी और फ्लावर पाए जाएंगे एंड फ्लावर के बाद इसमें क्या होंगे, फ्रूट्स पाए जाएंगे, है ना, तभी हम इसको फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। इन चैप्टर 2 एंड 3 वी टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी एंड अदर कैरेक्टर। यानी चैप्टर नंबर 2 हमारा जो था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था, उसमें प्लांट किंगडम के बारे में थोड़ा सा दिया था पैराग्राफ में। और जो थर्ड चैप्टर था हमारा पूरा एक सेपरेट चैप्टर ही था प्लांट किंगडम के बारे में, तो उसमें मैंने देखा है मॉर्फोलॉजी एंड अदर स्ट्रक्चर, है ना, कि प्लांट का क्लासिफिकेशन कैसे कैसे हुआ उसके मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेसिस पे एंड अदर कैरेक्टर के बेसिस पे, है ना। फॉर एनी सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन एंड एट अंडरस्टैंडिंग एनी हायर प्लांट, मतलब सक्सेसफुल हमें क्लासिफिकेशन को अटैम्प्ट करने के लिए हमको क्या समझना ज़रूरी है, किसी भी हायर प्लांट के सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन को अटैम्प्ट करने के लिए हमको समझना ज़रूरी है। फॉर डैट मैटर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या है, है ना, हमको सब अच्छे से समझना ज़रूरी है। वी नीड टू नो स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म, कुछ हमको इसमें स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म की ज़रूरत होती है जो कि हमको समझना ज़रूरी है, है ना, उसकी कुछ स्टैंडर्ड डिफिनीशंस होती हैं जो कि हमको समझना ज़रूरी है, उसके बिना हम उसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशन इन डिफरेंट पार्ट्स, मतलब उनमें हमको जानना ये जरूरी है कि उनमें पॉसिबल वेरिएशन के प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पॉसिबल वेरिएशन क्या क्या हो रही हैं। फाउंड एज एडाप्टेशन ऑफ द प्लांट टू देयर एनवायरमेंट, और हमारा जो प्लांट है वो अपना एडाप्टेशन तो कर रहा है, एडाप्टेशन तो करता है इन्वायरमेंट के प्रति, है ना, मतलब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना एडाप्टेशन तो करता है। एडाप्टेशन वेरियस, मतलब एडाप्टेशन है हो सकता है हैबिटाट के, हैबिटाट में हो सकता है उसका एडाप्टेशन, फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन पे हो सकता है अपने बचाव के लिए हो सकता है, और फॉर क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग मतलब अपना वो आगे चल के हम इसमें पढ़ेंगे क्लाइंबिंग मतलब
जैसे हमारे स्टेम टेंडल्स वगैरह हो गए, उसमें अपना अपना रोल अदा करेगा। और स्टोरेज मतलब अपना फूड मटेरियल को स्टोर करेगा, जैसे हमारे स्टेम मॉडिफिकेशन होते हैं, है ना, पोटैटो होता है हमारा स्टोरेज का काम करता है, जिंगर होता है, टर्मेरिक होता है, कलोकेसिया होता है, ये सारे हमारे जो होते हैं स्टोरेज का काम करते हैं, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, जबकि हम आगे चल के पढ़ेंगे, है ना। इफ़ यू पुल आउट एनी वीड, अगर हम किसी भी एनी वीड, किसी भी हम वीड यानी किसी भी पौधे की वीड को हम लेंगे, है ना, तो उसमें हम क्या देखेंगे कि उसमें रूट होगी, स्टेम होगा और लीव्स होंगी, उसमें रूट और स्टेम और लीव हमको दिखेंगे। दे मे बी बियर फ्लावर एंड फ्रूट, इसमें फ्लावर हो सकते हैं, है ना, इसमें फ्लावर होते हैं और फ्रूट्स होते हैं। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावर, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज द रूट सिस्टम, जो हमारा अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट होता है, यानी अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म होता है, उसको हम रूट सिस्टम बोलते हैं, जो हमारा अंडरग्राउंड पार्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम। वाइल पोर्शन एबव द ग्राउंड, जो हमारा ग्राउंड से ऊपर होता है तो उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम, है ना। रूट सिस्टम यानी रूट की बात करेंगे, रूट सिस्टम यानी हम स्टेम की बात करेंगे। तो हम देख लेते हैं आगे क्या है, तो हमको दिया है द रूट, है ना, तो हमको पहला दिया है रूट के बारे में बताया गया है, हमको रूट के बारे में बताया गया है कि हमारा रूट। इन मेजोरिटी ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट द डायरेक्ट इलांगेशन ऑफ रेडिकल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट, यानी मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा रूट होता है, रूट हमारा कहाँ से राइज होता है, रूट हमारा राइज होता है रेडिकल से, रेडिकल से हमारा रूट राइज होता है, ठीक है, रेडिकल से हमारा रूट राइज होता है। और जो हमारा सूट होता है यानी सूट यानी स्टेम, ठीक है, वो हमारा राइज होता है प्लूम्यूल से, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे इसी पैराग्राफ में, है ना। यानी रूट हमारी रेडिकल से राइज होती है, आर से रूट, आर से रेडिकल, ठीक है, समझने में कोई आसानी है, है ना। और जो हमारा एक बचा सूट, सूट से क्या राइज होता है हमारा प्लीम्यूल, प्लीम्यूल जो होता है हमारा सूट हमारा प्लीम्यूल से राइज होता है। तो हम टेस्ट में देखते हैं क्या लिखा है। इन मेजोरिटी ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट, मतलब डाइकोटिलेडोनस प्लांट में डायरेक्ट इलांगेशन ऑफ द रेडिकल यानी रेडिकल के डायरेक्ट इलांगेशन से लीड टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट, जो हमारे रेडिकल के डायरेक्ट इलांगेशन से प्राइमरी रूट बनती है, विच ग्रो इनसाइड द सॉइल, जो कि सॉइल के अंदर ग्रो करती है। इट्स बियर लेटरल रूट फॉर सेलुलर ऑर्डर डेट रिफर टू सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट, मतलब ये हमारी प्राइमरी रूट सपोर्ट डेट, ये हमारी होगी प्राइमरी रूट, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्राइमरी रूट होगी, इसके बाद यहाँ पे ब्रांचेज होगी इसकी, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट, ऐसे रूट होंगे, तो इसको हम सबको इसको प्राइमरी रूट पर ही कंसाइडर करेंगे, ठीक है, तो हम इसको प्राइमरी रूट पर ही कंसाइडर करेंगे। हम देखते हैं प्राइमरी रूट विच ग्रो इनसाइड द सॉइल, यानी प्राइमरी रूट जो होती है हमारी इनसाइड सॉइल के अंदर ग्रो करती है। इट बियर लेटरल रूट ऑफ सेवरल ऑर्डर डेट आर रिफर टू ए सेकेंडरी रूट, उसको सेकेंडरी रूट बोलते हैं। फिर टर्सरी रूट होती है, है ना। द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेज कंस्टिट्यूट द टैप रूट, जो प्राइमरी रूट होती है और उसकी ब्रांचेज को हम टैप रूट में कंसाइडर करते हैं। टैप रूट सिस्टम हमारा होता है, इसमें प्राइमरी रूट्स आती है, उसकी ब्रांचेज यानी सेकेंडरी रूट, और उसकी ब्रांचेज सेकेंडरी रूट से राइज होगी ब्रांच, वो टर्सरी रूट पे आएगी, तो उसको हम टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। जो कि हमारा कहाँ पे देखा जाता है, मस्टर्ड प्लांट में, हमारा मस्टर्ड जो हमारा डाइकॉट फैमिली है ब्रैसिकेसी की, है ना, सरसों की, तो हमारी ये डाइकॉट है। इसमें देखते हैं टैप रूट सिस्टम एज सीन इन मस्टर्ड प्लांट, जो कि हम मस्टर्ड प्लांट में देखते हैं, हमको फिगर 5.2 पे दिया गया है, ये हमको जो फिगर 5.2 पे दिया गया है, ठीक है, रूट सिस्टम। ये हमारी जो है प्राइमरी रूट, ये प्राइमरी रूट दिया गया हमको, ठीक है, प्राइमरी रूट के बाद ये प्राइमरी रूट से एक इसकी ब्रांच ओरिजिनेट हुई, सेकेंडरी रूट बनी, और इसको हमको क्या बोला गया, रूट सिस्टम बोला गया, है ना। तो यानी डाइकॉट में होती है हमारी टैप रूट होती है, मोनोकॉट में हमारी एडवेंटेजियस रूट होती है, हम आगे चल के पढ़ेंगे। इन मोनोकॉटिलेडोनस प्लांट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लीव, यानी जो हमारे मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं, यानी मोनोकॉट प्लांट होते हैं हमारे, उनमें जो प्राइमरी रूट होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है एंड रिप्लेस बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, यानी हमारे मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं उनमें जो प्राइमरी रूट्स होती है वो शॉर्ट लिव होती है और वो रिप्लेस हो जाती है बाई लार्ज नंबर ऑफ रूट, यानी बहुत सारी संख्या में रूट से वो रिप्लेस हो जाती है। दीज रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, ये रूट हमारी ओरिजिनेट होती है बेस ऑफ स्टेम से एंड
कॉन्स्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम, और हमारा फाइब्रस रूट सिस्टम बनाती हैं, यानी हमारी जो मोनोकार्ड में जो रूट होगी वो हमारी बेस ऑफ स्टम से राइज होगी और हमारी वो फाइब्रस रूट सिस्टम बनाएगी, जो कि हमारा किस में देखा जाता है, वीट में देखा जा सकता है। वीट हमारा मोनोकॉट आता है, गेहूं का जो पौधा आता है हमारा वो मोनोकॉट होता है, मोनोकॉट होता है। पैडी, पैडी भी में भी हमारा जो होता है फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, पैडी को बोलते हैं हम धान, ठीक है। धान में भी हमारा जो होता है वो मोनोकॉटिलेडन यानी फाइब्रस रूट सिस्टम देखा जाता है। और जो हमारा टैप रूट था वो हमारा रूट हमारी राइज हो रही थी रेडिकल से, और रूट हमारा राइज हो रहा था प्लिम्यूल से, है ना। तो हम इसको मोनोकॉर्ड में हमारा फाइब्रस रूट देखी जाती है और हमारे डाइकॉर्ड में टैप रूट सिस्टम देखा जा सकता है। इसका एग्जांपल फाइब्रस रूट का हमने देख लिया कि हमारा वीट था और पैडी था, है ना। और जो हमारा टैप रूट सिस्टम का एग्जांपल था जो हमारा कि क्या था, मस्टर्ड था हमारा टैप रूट सिस्टम का एग्जाम्पल, है ना। इन सम प्लांट लाइक ग्रास एंड मोन्स्टेरा एंड बनियान ट्री, यानी कुछ प्लांट्स होते हैं हमारे जो कि ग्रास हो गई यानी घास हो गई, मोन्स्टेरा हो गया, बनियान ट्री हो गई, तो रूट अराइज फ्रॉम पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल, यानी हमारे जो ग्रास हो गए, मोन्स्टेरा हो गए, यानी ग्रास हो गए, मोन्स्टेरा हो गए और बनियान ट्री हो गया यानी बरगद का पेड़ हो गया, इनकी जो रूट होती है वो रेडिकल से नहीं अराइज होती है, यानी नॉट अराइज फ्रॉम रेडिकल, नॉट अराइज फ्रॉम रेडिकल, यानी इनकी रूट जो होती है ग्रास मोन्स्टेरा और बनियान ट्री की जो हमारी होती है रूट होती है वो रेडिकल से राइज नहीं होती है, तो उसको हम बोलते हैं एडवेंटेटियस रूट। सो इनको हम बोलते हैं एडवेंटेटियस रूट, यानी इसमें क्या है, मोन्स्टेरा बनियान ट्री और ग्रास की जो रूट होती हैं वो हमारी रेडिकल से राइज नहीं होती हैं, अदर देन रेडिकल, दूसरे पार्ट ऑफ रेडिकल से राइज होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं एडवेंटेटियस रूट, है ना। इन मेन द मेन फंक्शन ऑफ रूट, तुम्हारा मेन फंक्शन ऑफ रूट क्या होता है, तुम्हारा क्या है एडवेंटेजियस रूट हमने देख लिया, है ना, कि हमारे एडवेंटेजियस रूट किस में पाई जाती हैं। एडवेंटेजियस रूट जो होती है हमारी ट्री बना सकते हैं इसके लिए BMG, बनियान ट्री, मोन्स्टेरा, ग्रास में हमारी जो होती हैं उसमें क्या होती हैं एडवेंटेजियस रूट होती हैं, जो कि हमारी रेडिकल से राइज नहीं होती हैं। और जो हमारी टैप रूट होती है, टैप रूट होती है वो हमारी रेडिकल से राइज होती है, जो कि हमारे डाइकॉट में पाई जाती है, जिसमें हमारा मस्टर्ड हो गया और हमारा टर्निप हो गया और हमारा कैरेट हो गया, है ना। मस्टर्ड, टर्निप, यानी मस्टर्ड, टर्निप एंड कैरेट, ये जो होती है हमारी, इनमें हमारी टैप रूट सिस्टम होता है, ये हमारे डाइकॉट होते हैं, है ना, इनकी रूट रेडिकल से राइज होती है। एडवेंटेटियस की रूट हमारी रेडिकल से राइज नहीं होती, अदर देन रेडिकल से राइज होती है। और जो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है हमारे वीट और हमारे पॉडी में पाया जाता है, यानी वीट और धान में पाया जाता है, इसमें कि जो प्राइमरी रूट होती है वो शॉर्ट लीव होती है और रिप्लेस हो जाती है लार्ज नंबर ऑफ कंस्टिट्यूट रूट, मतलब अलग अलग रूट में फाइब्रस रूट में चेंज हो जाती है, तो उसको फाइब्रस रूट सिस्टम बोलते हैं। तो द मेन फंक्शन ऑफ रूट, रूट सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है वो हम सभी जानते हैं, बट टेस्ट में क्या लिखा है वो देख लेते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा, एंड मिनरल, यानी वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करेगा फ्रॉम द सॉइल, यानी मिट्टी से वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करेगा। प्रोवाइड ए प्रॉपर एनकरेज, मतलब एक प्रॉपर एनकरेज का मतलब होता है सहारा प्रोवाइड कराना, मतलब उसको बेस प्रोवाइड कराना, यानी उसको पकड़ के रखना, है ना। प्रोवाइड ए प्रॉपर एनकरेज ऑफ ए प्लांट पार्ट, मतलब प्लांट पार्ट को एनकरेज प्रोवाइड कराना, सहारा प्रदान कराना। स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, और रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करना, है ना। सिंथेसिस ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, और हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो होते हैं PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिसको बोलते हैं, उनको बनाना, है ना, सिंथेसिस करना। तो इसके लिए हम सिंपल ट्रिक बना सकते हैं कि हमारे जो होते हैं रूट का मेन फंक्शन क्या होता है, तो उसके लिए हम ट्रिक बना देंगे। आफ, ठीक है, हिंदी में लिखेंगे हम इसको ऐसे, समझने के लिए हम ट्रिक बना लेते हैं आफ, ठीक है। ऐसे हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉयल,
और ए से एक मतलब हो गया प्रोवाइड एनकरेज ऑफ द प्लांट पार्ट, ठीक है। यस से स्टोरेज स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, एंड यस से हो गया सिंथेसिस ऑफ पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग, इजी था। हमको ये फिगर दिया गया है पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावरिंग प्लांट के पार्ट का हम आपको फिगर दिया गया है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। फिगर में हमको क्या दिया गया है, फिगर में जो दिया गया है हमको, इसमें हमको दिखाया गया है ये हमको रूट सिस्टम दिखाया गया और सोर्स सिस्टम दिखाया गया है। ये हमारा अंडरग्राउंड है ना, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, इसके नीचे यानी अंडरग्राउंड, ग्राउंड लेवल के नीचे हमारा अंडरग्राउंड होता है, एबव द वो ग्राउंड होता है, ठीक है। तो रूट सिस्टम में हमको इसमें प्राइमरी रूट दिखाई गई है जो कि रेडिकल से राइज हुई है, उसके बाद सेकेंडरी रूट दिखाई गई है, उसके बाद हमारी इसमें फर्दर ब्रांचेज हुई तो हमारी टर्सरी रूट होगी, यानी हमारी रूट सिस्टम हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा सोर्स सिस्टम में हमको दिखाया गया है ये स्टेम, एबव द पार्ट जो होता है वो स्टेम होता है, एबव द पॉड स्टेम होता है, उसमें रूट सिस्टम आगे चल के हम पढ़ेंगे, है ना। नोड्स और इंटर नोड क्या होती हैं, स्टेम उसमें लीव्स होती हैं, स्टेपल्स होते हैं, बड्स क्या होती हैं, फ्लावर क्या होते हैं, फ्रूट्स क्या होते हैं, है ना, लीव क्या होती हैं, ईच एंड एवरी थिंग वी डिस्कस फर्दर आफ्टर सम टाइम। तो इसमें हमको दिखाए गए हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रूट, डिफरेंट टाइप ऑफ रूट हमको दिखाए गए हैं। ये हमको जो दिखाया गया है ये हमारा टैप रूट है, टैप रूट सिस्टम हमारा किस में पाया जा रहा था, जो टैप रूट सिस्टम हमारा पाया जा रहा था मस्टर में पाया जा रहा था, टर्निप में पाया जा रहा था और कैरेट में पाया जा रहा है। EMTC यानी मस्टर, टर्निप और कैरेट में हमारा जो था टैप रूट सिस्टम पाया जा रहा था। और जो हमारा फाइब्रस रूट सिस्टम था, फाइब्रस रूट सिस्टम हमारा पाया जा रहा था वीट में, यानी वीट में और पैडी में, यानी धान में, ठीक है। वीट और पैडी में हमारा फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जा रहा था। और जो हमारा एडवेंटेटियस रूट सिस्टम पाया जा रहा था किस में पाया जा रहा था, BMG बनियान ट्री मॉन्स्टेरा एंड ग्रास, ठीक है। बनियान ट्री मॉन्स्टेरा और ग्रास ये हमारा एडवेंटेटियस रूट थी जो कि हमारी रेडिकल से राइज नहीं हो रही थी। अब हमको रीजन ऑफ रूट, रीजन रूट में रीजन कौन से होते हैं, क्या क्या उनका फंक्शन होता है ना, उनको हम किस नाम से जानते हैं वो हम सब देखेंगे। रीजन ऑफ रूट, रीजन ऑफ रूट क्या होते हैं हमारे, रीजन मतलब एक स्थान, ठीक है। और रूट में कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं वो हम देखेंगे इसमें। रूट इज कवर्डेड एट द एपेक्स बाय ए थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। जो हमारा रूट होता है वो एक थिम्बल लाइक, उसका जो रूट का एपेक्स होता है इसमें ये दिखाया गया है, जो रूट का एपेक्स है हमको, एपेक्स मतलब निचला हिस्सा, जो कवर्ड होता है रूट कैप से, है ना। जो कैप होगा हमारा वो हमेशा प्रोटेक्शन का काम करेगा, ये हम हमेशा याद रखेंगे। कैप कोई भी हो वो प्रोटेक्शन का ही काम करेगा, ठीक है। कैप जो होगा हमारा काम करेगा प्रोटेक्शन का, वो चाहे सर की कैप हो या रूट कैप हो, ठीक है, वो प्रोटेक्शन का ही काम करेगा। तो द रूट इज कवर्डेड एट द एपेक्स बाई ए थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। जो हमारी रूट का एपेक्स जो कवर्ड होता है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम रूट कैप बोलते हैं। इट प्रोटेक्टेड थंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक इट वे टू सॉइल। यानी ये हमारा थंडर मतलब जो हमारे इसमें रूट, हमारी जो रूट कैप होती है वो हमारी, उसका एपेक्स होता है वो सॉइल के अंदर होता है, उसमें कोई डैमेज ना हो उसके लिए हमारा प्रोटेक्शन करती है रूट कैप। अगर उसमें कोई डैमेज हो जाएगा, जो उसमें रिजर्व फूड मटेरियल है, प्रोटोप्लाज्म वगैरह है, वो हमारा वो बेकार हो जाएगा और हमारे प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, इसलिए हमारी रूट कैप उसका प्रोटेक्शन करती है सॉइल में, है ना। ए फ्यू मिलीमीटर एबव द रूट कैप, फ्यू मिलीमीटर एबव द रूट कैप इज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यानी हमारा जो एक रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है जो कि फ्यू मिलीमीटर, ये हमारा क्वेश्चन में आता है, है ना, 1 सेंटीमीटर और फ्यू मिलीमीटर, ये हमको ऑप्शन में दे देगा और यहाँ पूछेगा हमारा रूट कैफे फ्यू मिलीमीटर में क्या होता है, हमारा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होता है। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का मतलब वहाँ की जो सेल होगी वो हमारी बहुत तेज से ग्रोथ करेगी, बहुत तेज से रैपिडली ग्रोथ करेगी, है ना। उसमें फूड मटेरियल जो होगा, रिजर्व फूड मटेरियल होगा, बहुत होगा, और वहाँ की जो होगी
प्रोटोप्लाज्म वगैरह बहुत होगा, अच्छा खासा होगा, तो उसमें ग्रोथ जो होगी बहुत अबंडेंट देखी जाएंगी। ए फ्यू मिलीमीटर एवव द रूट कैप, रूट कैप से फ्यू मिलीमीटर एवव, जो हमको ये यहाँ पे दिखाया गया फिगर, ये हमारी रूट कैप है, उसके ऊपर जो रीजन ऑफ मेरिस्टमेटिक दिखाया गया हमको, है ना। ए फ्यू मिलीमीटर एवव द रूट कैप रीजन ऑफ मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी, क्योंकि हमारी मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी होती है, द सेल, इस सेल की जो रीजन होती है, द सेल ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल थिन वॉल्ड विद डेंस प्रोटोप्लाज्म। जो यहाँ की जो सेल होती है वो क्या होती है उसके बारे में हमको बताया गया है, द सेल ऑफ दिस रीजन वेरी स्मॉल, यहाँ की जो सेल होगी बहुत स्मॉल होती है ना, थिन वॉल्ड होती है, यानी उसकी जो वाल होगी वो थिन होगी, एंड विद डेंस प्रोटोप्लाज्म, यानी उसमें बहुत जो प्रोटोप्लाज्म होगा बहुत अच्छा खासा मात्रा में पाया जाएगा, ठीक है। दे डिवाइडेड रैपिडली, और ये जो डिवाइड करेंगी प्रोटोप्लाज्म है ना, प्रोटोप्लाज्म उसमें है, यानी उसमें रिजर्वोर मटेरियल अच्छा खासा है, तो वो अच्छे से डिवाइड करेगी सारी सेल को, जरूरत के हिसाब से उसको भोजन मिलेगा तो अच्छे से डिवाइड करेगी, है ना। द सेल प्रॉक्सिमल ऑफ दिस रीजन अंडर गो रैपिड इलोंगेशन एंड इनलार्जमेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ। अब आपको मैं दो टर्म बताता हूँ, प्रॉक्सिमल और डिस्टल क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं हम, तभी आगे समझ आएगा हमको। प्रॉक्सिमल 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 है ना, पी से, इसमें पी पी प्रॉक्सिमल में पी आया है ना, तो पी का मतलब पास, प्रॉक्सिमल मतलब पास, यानी हमारी बॉडी से जो हमारा प्रॉक्सिमल क्या है हमारा, ये हमारी बॉडी से जो यहाँ से प्रॉक्सिमल है हमारा शोल्डर है ना शोल्डर का अटैचमेंट यहाँ से हमारे चेस्ट से, शोल्डर हमारा प्रॉक्सिमल मतलब कोई चीज़ पास है, और डिस्टल का मतलब होता है, डिस्टल का मतलब होता है हमारा, डिस्टल का मतलब होता है दूर, डी में डी आया है ना, डिस्टल में डी आया, डिस्टल का मतलब होता है दूर, यानी हमारी कोई चीज़ दूर है ना। अब यहाँ से ये बोल रहा है कि हमारा जो होता है द सेल ऑफ दिस रीजन, ये जो मेरिस्टमेटिक रीजन जो होता है हमारा, मेरिस्टमेटिक रीजन से हमारे, इसमें ये बता रहा है कि जो हमारा जो होता है मेरिस्टमेटिक रीजन के जो प्रॉक्सिमल रीजन होता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, इसमें क्या दिया है, द सेल ऑफ प्रॉक्सिमल ऑफ दिस रीजन अंडर गो रैपिड इलोंगेशन, मानी यानी इस सेल जो रीजन ऑफ मेरिस्टमेटिक सेल के प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल मतलब पास, ये मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी का रीजन है और उसके पास जो है रीजन ऑफ इलोंगेशन है, तो इस रीजन ऑफ इलोंगेशन इनलार्ज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, यानी इस सेल की जो होगी वो हमारा रीजन ऑफ इलोंगेशन होगा, तो यहाँ पे इलोंगेशन यानी ग्रोथ में, लेंथ में इनमें ग्रोथ होगी, इनमें जो ग्रोथ होगी वो लेंथ में होगी, रिस्पॉन्सिबल फॉर लेंथ में, इलोंगेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को लंबा करना, है ना, किसी चीज़ को लंबा करेगा, इलोंगेट करेगा, तो उसको हम बोलेंगे रीजन ऑफ इलोंगेशन, है ना। जिस रीजन को हमारी लेंथ में ग्रोथ कर रहा है तो यानी जिस रीजन को बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। आफ्टर डेट भी देखते हैं द सेल ऑफ द इलोंगेशन जोन, यहाँ की जो सेल ऑफ इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट एट मैच्योर, जो यहाँ सेल ऑफ इलोंगेशन की होती हैं वो ग्रेजुअली धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं और वो बिकम मैच्योर सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं, हेंस दिस जोन प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन। अब यहाँ से बोला कि प्रॉक्सिमल ऑफ रीजन टू इलोंगेशन, प्रॉक्सिमल मतलब यानी पास, रीजन ऑफ इलोंगेशन के पास जो होता है वो क्या होता है, दिस इज कॉल्ड रीजन ऑफ मैच्योरेशन, यानी सेल हमारी इलोंगेट होगी, पहले मेरिस्टमेटिक इसमें एक्टिविटी होगी है ना, वो फिर इलोंगेट होगी है ना, इलोंगेट होने के बाद वो मैच्योर हो जाएगी, और जो मैच्योर हो जाएगी तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, जो हमारा रीजन ऑफ इलोंगेशन के प्रॉक्सिमल होगा वो होगा रीजन ऑफ मैच्योरेशन, यहाँ की सेल हमारी मैच्योर होकर डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे रीजन ऑफ इलोंगेशन। दिस इज रीजन ऑफ इलोंगेशन हमारा हो गया, उसके बाद रीजन ऑफ मैच्योरेशन हो गया, तो उसके बाद क्या है, फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल फॉर्म वेरी फाइन एंड डिलीकेट, डिलीकेट का मतलब होता है हमारा नाजुक, डिलीकेट का मतलब होता है हमारा नाजुक, डिलीकेट का मतलब होता है हमारा नाजुक, थ्रेड लाइक यानी धागे बिनुमा स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं रूट हेयर, है ना, यानी रूट हेयर हमारे कहाँ से राइज होते हैं, रूट हेयर हमारे जो होते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन से राइज होते हैं, जो कि हमारे एपिडर्मल हेयर होते हैं, हम रूट के केस में इसको एपिडर्मल ना बोल के एपिब्लेमा बोलते हैं, एपिडर्मल ना बोल के हम एपिडर्मल ना बोल के हम इसको एपिब्लेमा बोलेंगे, तो ज़्यादा बेटर होता है वो रूट के केस में, एपिब्लेमा,
इपिब्लेमा हम बोलते हैं इसको, जो कि हमारे एपिडर्मल हेयर होते हैं, यानी इपिब्लेमा हेयर होते हैं, जो कि हमारे रीजन ऑफ मेचुरेशन से एराइज होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, डिलिकेट होते हैं यानी नाजुक होते हैं, है ना, धागे की नुमा स्ट्रक्चर होती है, और जो कि हमारे क्या काम करते हैं, अब जो रूट हेयर है वो हमारा काम क्या करेगा, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करेगा हमारे सॉइल से। तो हम आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट बताते हैं यहाँ पे कि ये जो हमारा है फिगर हमको दिया गया है, रीजन ऑफ द रूट, रूट टिप का फिगर दिया गया, ये हमारा रूट कैप हो गया, तो ये हमारा जो प्रोटेक्शन का काम करेगा, कैप कोई भी हो प्रोटेक्शन का काम करेगा, ये हमारे प्रोटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करेगा। उसके जहाँ पे जो फ्यू मिलीमीटर दूर जो हमारी रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी था, जहाँ पे हमारी सेल जो थी डेंस प्रोटोप्लाज्म था, अच्छा खासा उसमें मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हो रही थी, यानी उसकी जो सेल थी अच्छा खासा डिवाइड कर रही थी। उसके बाद जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक के प्रॉक्सिमल रीजन जो था रीजन ऑफ इलॉन्गेशन था, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन कहता है वो लेंथ में, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन जो हमारा था लेंथ में ग्रोथ कर रहा था, यानी उसकी लंबाई बढ़ा रहा था, है ना। और रीजन ऑफ इलॉन्गेशन के जो प्रॉक्सिमल रीजन था वो था रीजन ऑफ मेचुरेशन, रीजन ऑफ मेचुरेशन क्या था, जो हमारी सेल्स इलॉन्गेट हुई हैं वो हमारी मेच्योर में कन्वर्ट हो गई, एक मेच्योर सेल में कन्वर्ट हो गई, और वहाँ पे रीजन ऑफ उसको हम मेचुरेशन बोल दिया, है ना। अब जो रीजन ऑफ मेचुरेशन से ही हमारे क्या निकले थे, रीजन ऑफ मेचुरेशन से हमारे क्या निकले, रूट हेयर निकले, रूट हेयर निकले। जो हमारे रूट में हेयर होते हैं वो हमारे यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर हेयर्स होते हैं, है ना। अब इनको हम एपिडर्मल हेयर हैं तो इनको हम एपिडर्मल ना बोल के एपिब्लेमा हेयर बोलेंगे, है ना, ये हमारी जो हैं एपिब्लेमा, एपिब्लेमा बोलेंगे हम, एपिब्लेमा बोलेंगे। और ये हमारा रीजन ऑफ मेचुरेशन है, ये हमारा ग्राउंड पे है, है ना, अर्थ पे जो हमारी ग्राउंड होगी वहाँ पे होगा, और ये हमारे रीजन ऑफ एक्टिविटी होगा, है ना, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होगा, ये सॉइल के अंदर होगी, है ना। तो अगर सॉइल से पूछा गया कि सॉइल के प्रॉक्सिमल क्या है, अर्थ के प्रॉक्सिमल क्या है, तो वहाँ से हमारे रीजन ऑफ टॉप टू बॉटम अगर पूछा गया हमारा, अगर हमसे पूछा गया टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम पूछा गया, तो टॉप टू बॉटम हमारा सॉइल के जो नज़दीक होगा यानी प्रॉक्सिमल होगा वो रीजन ऑफ मेचुरेशन होगा, है ना। उसके बाद हमारा रीजन ऑफ इलॉन्गेशन होगा, आफ्टर दैट रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होगा, ये हमारा टॉप टू बॉटम इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं जो हमारी इसमें होती हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, हम देखते हैं इसमें कि हमारी रूट जो होती हैं इसके जो इनका फंक्शन था इनक्रेज प्रोवाइड कराना, एब्जॉर्प्शन कराना, सिंथेसिस ऑफ द पीजीआर प्लांट रोटर का सिंथेसिस करना, और स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। इसके अलावा भी हमारी जो होती हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन रूट अपना मॉडिफाई करती हैं और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन शो करती हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट, है ना। रूट इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में रूट चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। यानी इसमें क्या बोला है कि रूट ऑफ सम प्लांट, कुछ प्लांट की रूट जो होती हैं वो अपने शेप में चेंज कर लेती हैं, स्ट्रक्चर में चेंज कर लेती हैं और मॉडिफाई हो जाती हैं डिफरेंट फंक्शन को करने के लिए, जो कि फंक्शन प्राइमरी फंक्शन क्या था उसका, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, है ना। और ये हमारा रूट का प्राइमरी फंक्शन था, जिसको जिस ट्रिक से हमने देखा था, जो हमने आपको बताया था आफ, है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, है ना, इनक्रेज प्रोवाइड करवाना, स्टोरेज और सिंथेसिस ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इसके अलावा जो हमारी रूट फंक्शन करती हैं वो इसमें मॉडिफिकेशन में आएगा। द रूट सम प्लांट चेंज देयर शेप स्ट्रक्चर एंड बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट, यानी रूट जो होती हैं वो किस में मॉडिफाई हो जाएंगी, मॉडिफाई फॉर सपोर्ट यानी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी, स्टोरेज ऑफ फूड यानी फूड का स्टोरेज करेंगी, एंड रिस्पायरेशन और रिस्पायरेशन करेंगी, है ना, यानी इसमें मॉडिफाई हो जाएंगी। टैप रूट किस में पाई जा रही थी हमारी, टैप रूट हमारी किस में पाई जा रही थी, टैप रूट जो थी हमारी किस में थी, टैप रूट जो हमारी थी वो थी मस्टर्ड में, है ना, टर्निप में और कैरेट में, जिसको हमने बोला था एमटीसी, है ना, एमटीसी को हम बोले थे मस्टर्ड, टर्निप और कैरेट में टैप रूट पाई जा रही थी हमारी, डाइकॉट से, ठीक है। टैप रूट ऑफ कैरेट, टर्निप एंड एडवेंटेजियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो, है ना, एडवेंटेजियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो। ये स्वीट पोटैटो जो हमारा रूट का मॉडिफिकेशन है वो किस टाइप की रूट का मॉडिफिकेशन है, वो एडवेंटेजियस रूट का मॉडिफिकेशन है ना, जो हमारा स्वीट पोटैटो है, स्वीट पोटैटो जो हमारा है
स्वीट पोटैटो है वो एडवेंटेटियस रूट का मॉडिफिकेशन है, एडवेंटेटियस रूट का मॉडिफिकेशन है, बट जो हमारा पोटैटो है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे। टैप रूट ऑफ कैरेट टर्निप एंड एडवेंटेटियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो गेट सोलन एंड स्टोरेज फूड, यानी ये बीमारी होती हैं टैप रूट में हमारी कैरेट और टर्निप और हमारे एडवेंटेटियस रूट में स्वीट पोटैटो, ये हमारी गेट सोलन हो जाती है यानी फूल जाती हैं और वो फूड मटेरियल को स्टोर करती हैं। कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल? यस वी कैन गिव सम अदर्स एग्जाम्पल विच इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन, है ना, इसको पोटैटो बोलते हैं, पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया, कैलोकेसिया हो गया, जमीकंद हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल है जो स्टेम मॉडिफिकेशन है जो कि स्टोरेज का काम करते हैं, है ना, ये आगे हम चल के पढ़ेंगे, है ना। रूट का मॉडिफिकेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। हैव यू इवन वंडर डेट दोज हैंगिंग स्ट्रक्चर डेट सपोर्ट द बनियन ट्री आर, हम लोग ये आश्चर्यचकित होते हैं, हम इसको जो हैंगिंग स्ट्रक्चर बनियान ट्री हमारा होता है, ये बनियान ट्री का एग्जांपल दिया है यानी बरगद का एग्जांपल दिया गया है, इसमें जो हैंगिंग स्ट्रक्चर हैं ये क्या हैं, हम इसको देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं, ये हमारी होते हैं प्रॉप रूट का मॉडिफिकेशन है, ये हमारी रूट जो है इनको प्रॉप रूट बोलते हैं, हैंगिंग स्ट्रक्चर है ना। हैव यू एवर वंडर डेट द दोज हैंगिंग स्ट्रक्चर डेट सपोर्ट द बनियान ट्री आर दीज आर कॉल्ड प्रॉप रूट, है ना, प्रॉप रूट बोलते हैं। सिमिलरली द स्टेम ऑफ मेज, जो हमारा स्टेम होता है मेज का स्टेम होता है, स्टेम ऑफ मेज एंड सुगर केन, है ना, एंड स्क्यूब पाइन, इसका एक एग्जांपल और भी है जो कि हमारा एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, ये हमारे है ना सपोर्टिंग होती हैं, ये हमारी सपोर्ट करती हैं जो कि हमारी कमिंग आउट फ्रॉम द लोअर नोट ऑफ द स्टेम, है ना, जो हमारे मेज होते हैं, है ना, सुगर केन होते हैं, स्क्यूब पाइन होती हैं, जो इनमें रूट्स होती हैं उनमें स्टिल्ट रूट होती हैं, स्टिल्ट रूट जो होती हैं हमारी किस में होती हैं, यानी सुगर केन में होती हैं, मेज में होती हैं, ठीक है, और स्क्रू पाइन में होती हैं, यानी तीन में हमारी सुगर मेज और स्क्रू पाइन में जो हमारी स्टिल्ट रूट होती हैं जो हमारी लोअर बेस ऑफ स्टेम से एराइज होती हैं और ये हमारा सपोर्ट का काम करती हैं, और जो बनियान ट्री में होता है हमारी वो प्रॉप रूट होती हैं जो हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है ना, जो हमारी जो होती हैं स्टिल्ट रूट हमारी कहाँ से एराइज होती हैं, लोअर नोड ऑफ स्टेम से हमारी एराइज होती हैं। और इन सम प्लांट सच एज राइजोफोरा, जो हमारा सच प्लांट होता है राइजोफोरा होता है जो कि स्वम्पी एरिया में ग्रो करता है ना, इसको मैंग्रोव प्लांट भी बोलते हैं, जो कि हमारा स्वम्पी एरिया पे ग्रो करता है, इनकी है ना इनकी जो रूट होती है मेनी रूट कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड, सच रूट कॉल्ड नेमेटोफोर्स, है ना, यानी इनके जो राइजोफोरा की रूट्स होती हैं, राइजोफोरा जो होता है हमारा स्वम्पी एरिया पे ग्रो करता है, राइजोफोरा जो होता है स्वम्पी एरिया पे ग्रो करता है, इसमें न्यूमेटोफोर्स पाए जाते हैं, न्यूमेटो से पता चलता है एयर, ये एयर से रिलेटेड है ना, हम आगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे न्यूमोथोरेक्स, है ना, तो ये हमारा जो न्यूमेटो है, न्यूमेटो हमारा जो है एयर से रिलेटेड है, एयर से रिलेटेड है यानी हमारा ये रिस्पायरेशन में हेल्प करेगा, ठीक है, ये हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन, ये हमारा निमेटो फोर्स होता है वो ऑक्सीजन में यानी रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, ये हमारा किस में पाया जाता है, हमारा राइजोफोरा में पाया जाता है, ठीक है। इसमें मॉडिफिकेशन बनियान रूट का दिखाया गया जो कि हम इनको हैंगिंग स्ट्रक्चर को हम प्रॉप रूट बोलते हैं, प्रॉप रूट हमारी बनियान ट्री में पाई जाती है, और जो हमारी होती हैं स्टिल्ट रूट हमारी होती हैं वो हमारी किस में पाई जाती हैं, सुगर केन में, है ना, और हमारी स्क्रूफाइन में, है ना, और मेज में, और जो हमारी न्यूमेटोफोर्स होती हैं वो राइजोफोरा में पाए जाते हैं, है ना, और जो फूड स्टोरेज एडवेंटेटियर रूट का मॉडिफिकेशन हमारा वो स्वीट पोटैटो है, ठीक है, एडवेंटेटियर रूट का मॉडिफिकेशन, और टैप रूट का मॉडिफिकेशन हमारा किस में टैप रूट पाया जाता है, कैरेट में, टर्निप में, है ना, तो ये हमारा फूड स्टोरेज का काम करती हैं, और पोटैटो जो हमारा वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है जो कि हम आगे चल के देखेंगे। अब हमको एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे इसकी मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के, हमको फिगर से दिए गए हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ये हमारा जो है एस्परागस हो गया हमारा, टर्निप हो गया, कैरेट हो गया, और हमारा स्वीट पोटैटो हो गया, इसमें हमको एस्परागस, टर्निप, कैरेट और स्वीट पोटैटो, जो हमारा टर्निप होता है इसको हम बोलते हैं सलजम, सलजम में जो होता है हमारा
क्या होता है इसकी जो इसकी रोड की मॉडिफिकेशन जो हमारे टर्निंग होता है, इसकी रोड की मॉडिफिकेशन को हम बोलते हैं नेफी फॉर्म, यानी नेफी फॉर्म, नेफी फॉर्म, नेफी फॉर्म रोड बोलते हैं इसको, नेफी फॉर्म रोड बोलते हैं, है ना। और जो हमारा होता है कैरेट, कैरेट से हमको पता चल रहा है CRS में, तो इसकी रूट जो होगी कॉनिकल बोलते हैं, है ना, कॉनिकल रूट होती है। और जो हमारी स्वीट पोटैटो की रूट होती है हमारी, है ना, एडवेंटेजियस रूट है, और ये ट्यूबरस रूट पे आती है हमारी स्वीट पोटैटो जो हमारी होती है, जो हमारी स्वीट पोटैटो हो गई, ये स्वीट पोटैटो होगी हमारी एडवेंटेजियस रूट का मॉडिफिकेशन है, एडवेंटेजियस रूट का मॉडिफिकेशन है, और ये ट्यूबरस होती है, ठीक है, ट्यूबरस यानी ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर होती है इसमें, ट्यूबरस होती है। और जो हमारा हमको ए में दिया गया है स्टोरेज में, स्टोरेज में हमारा एस्पैरागस हेल्प करेगा, टर्निप करेगा, कैरेट करेगा, और हमारा स्वीट पोटैटो यानी एडवेंटेजियस रूट का मॉडिफिकेशन हमारा हेल्प करेगा। और रिस्पायरेशन में जो हमने आपको बताया राइजोफोरा निमेटोफोर्स जो पाएंगे, राइजोफोरा में पाए जाएंगे, जो कि स्वैम्पी एरिया पे ग्रो करते हैं, और ये वर्टिकली अपवर्ड ऊपर आते हैं, है ना, राउंड से वर्टिकली अपवर्ड होते हैं, ये देखो हमको फिगर में दिया गया है। इसमें निमेटोफोर्स होते हैं जो कि हमारे ऑक्सीजन को एनवायरमेंट्स में लेते हैं और वहाँ पर रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। अब हम आगे चल के आगे देखते हैं स्टेम का, है ना, हमको रूट का हमारा पोर्शन जो था वो ख़त्म हो गया। अब हम स्टेम के बारे में देखते हैं कि हमारा स्टेम जो होता है रूट से कैसे कैसे अलग होता है, रूस्टम स्टेम में ऐसे क्या क्या फीचर्स होते हैं जो कि हमारे रूट से अलग करते हैं, है ना। व्हाट आर द फीचर दैट डिस्टिंग स्टेम फ्रॉम ए रूट, मतलब क्या क्या ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि स्टेम को रूट से अलग करते हैं, तो हम इसमें देखते हैं। जो स्टेम होता है हमारा, स्टेम होता है हमारा, स्टेम को बोलते हैं तना, स्टेम को बोलते हैं तना। जो स्टेम होता है वो असेंडिंग पार्ट होता है, असेंडिंग पार्ट यानी ऊपर, असेंडिंग यानी कोई चीज़ हमारी ऊपर की तरफ जा रही है तो उसको हम असेंडिंग बोलेंगे, इसको हम ऊपर की तरफ कोई चीज़ जा रही तो उनको असेंडिंग बोलेंगे, इसको असेंडिंग बोलेंगे, असेंडिंग बोलेंगे। कोई चीज़ हमारी नीचे आ रही तो उसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग बोलेंगे, ठीक है, कोई चीज़ नीचे आ रही उसको हम डिसेंडिंग बोलेंगे। जो हमारा होता है स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बियर ब्रांच, यानी स्टेम जो होता है असेंडिंग पार्ट होता है ऑफ द एक्सिस, इसमें बियर ब्रांच होती हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं, जो कि हमारे रूट में ये नहीं पाए जा रहे थे, है ना। ये हमारे इसमें स्टेम में होती हैं ब्रांच, असेंडिंग पार्ट होता है, इसमें ब्रांचेज होती हैं, इसमें लीव्स होते हैं, इसमें फ्लावर्स होते हैं और इसमें फ्रूट्स होते हैं। इट डेवलप फ्रॉम प्लीम्यूल, मैंने आपको बताया था जो रूट था हमारा वो रेडिकल से राइज हो रहा था, और जो हमारा सूट होता है यानी स्टेम होता है वो हमारा प्लीम्यूल से राइज होता है ऑफ द जर्मिनेटिंग एम्ब्रियोसीट, यानी जो हमारा जर्मिनेटिंग एम्ब्रियो होता है, है ना, जर्मिनेटिंग एम्ब्रियोसीट्स होता है उसमें जो उससे प्लीम्यूल होता है, उससे प्लीम्यूल से हमारा स्टेम बनता है, प्लीम्यूल से हमारा क्या बनता है, स्टेम बनता है और सूट बनता है, है ना, स्टेम और सूट बनता है। द स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स, स्टेम में हमारी क्या होती हैं नोड्स और इंटरनोड होती हैं जो कि हमारी रूट में नहीं पाई जा रही थी, स्टेम में क्या होती है नोड और इंटरनोड होती हैं जो कि हमारी रूट में नहीं पाई जा रही थी, है ना। द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर, जहाँ द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न इज आर कॉल्ड नोड्स, मतलब जहाँ पर हमारी लीव्स स्टेम में लीव्स होंगी वहाँ पे जो उसको हम बोलते हैं नोड बोलते हैं। वाइल इंटर नोड आर पोर्सन बिटवीन द टू नोड्स, यानी टू नोड्स के बीच की जो गैप होता है उसको हम इंटर नोड बोलते हैं, यानी नोड हमारा हो गया जहाँ पे हमारी लीव्स होंगी, है ना, लीव्स होंगी, लीव्स होंगी, है ना, और इंटर नोड, इंटर नोड इनके बीच का गैप होगा, गैप होगा टू नोड्स के बीच का गैप को हम इंटर नोड बोलते हैं, अभी हम फिगर में देख लेंगे उसको। द रीजन द स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न कॉल नोड्स एंड वाइल इंटर नोड्स आर द पोर्शन बिटवीन टू नोड्स, यानी टू नोड्स के बीच के गैप को हम इंटर नोड बोलेंगे। द स्टेम बियर बड्स, स्टेम में जो होती हैं बड्स होती हैं विच मे बी टर्मिनल और एक्सिलरी, टर्मिनल और एक्सिलरी का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, टर्मिनल मतलब कोई मान लो ये एक्सिस है यहाँ पर कोई बड्स लग गई तो ये होगी टर्मिनेट, यानी उसकी ग्रोथ को वो टर्मिनेट कर देगी, तो इसको बोलेंगे हम टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल, टर्मिनल। और एक्सेलरी का मतलब ये साइड वाली, ये जो साइड में लगेंगी इनको हम एक्सेलरी बोलते हैं, ठीक है, एक्सेलरी बोलते हैं। ये दो टर्म आपको बहुत कन्फ्यूज करेंगे, टर्मिनल क्या होता है, एक्सेलरी क्या होता है ना, ये हम आपको पहले बता दिया।
जो होती है हमारी, द स्टेम बियर्स बड्स विच में भी टर्मिनल और एक्सिलरी, यानी स्टेम में जो बड होती है वो टर्मिनल हो सकती हैं और एक्सिलरी हो सकती हैं। स्टेम इज जनरली ग्रीन, जब हमारा स्टेम होता है वो जनरली ग्रीन होता है जब हमारा वो यंग होता है ना, यंग स्टेम जो होता है जनरली ग्रीन होता है। एंड लेटर ऑफ टाइम बिकम द वूडी एंड डार्क ब्राउन, और बाद में हमारा वो क्या हो सकता है, वो वूडी हो जाएगा तो डार्क ब्राउन हो जाएगा, जब यंग होगा तो वो हमारा क्या होगा, ग्रीन होगा, जनरली ग्रीन होगा। द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज, स्टेम के मेन फंक्शन क्या होते हैं, स्प्रेडिंग आउट ब्रांच बियर्स लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट्स, यानी स्टेम में क्या क्या होगा, स्टेम के मेन फंक्शन होंगे, स्टेम के जो फंक्शन होंगे क्या क्या होंगे वो, उसमें क्या होंगी, ब्रांचेज होंगी है ना, ब्रांच होंगी ना, लीव्स होंगी, फ्लावर्स होंगे और क्या होगा, फ्रूट्स होंगे है ना, और फ्रूट्स होंगे, ये हमारे स्टेम के काम होते हैं। और जो हमारे रूट के काम क्या थे वो मैंने आपको बताया था आस वाले ट्रिक से, ठीक है। और ये हमारा कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करता है ना, इट कंडक्ट वाटर मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि हमारे जो फोटोसिंथेसिस से बना हुआ प्रोडक्ट, फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है फोटोसिंथेसिस से बना हुआ प्रोडक्ट जो होगा हमारा वो फोटोसिंथेसिस होगा, यानी हमारा जो स्टार्च बनेगा, हमारी लीव्स बनाएगी फोटोसिंथेसिस के थ्रू, क्लोरोफिल पिगमेंट होगा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में जो हमारा फूड बनाएगी वो हमारा स्टेम ट्रांसपोर्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम है ना, वास्कुलर टिश्यू जो होते हैं हमारे जाइलम और फ्लोएम, उनकी सहायता से हमारा फ्लोएम की सहायता से हमारा जो होता है फूड ट्रांसपोर्ट होता है, और हमारा जाइलम की सहायता से जो होता हमारा था उसमें वाटर मिनरल का कंडक्शन होता है ना, सिंपल सुगर्स का कंडक्शन होता है, जो कि आगे चल के हम पढ़ेंगे। अब इसमें हमारा रूट का मॉडिफिकेशन था, हमारे रूट मॉडिफिकेशन स्टोरेज में काम कर रहे थे है ना, और हमारे प्रोडक्शन वगैरह रूट में मॉडिफिकेशन था, और रेस्पायरेशन में हमारा जैसे राइजोफोरा वगैरह था, ये हमारे मॉडिफिकेशन थे। अब इसमें हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में हमको देखना है इसमें बहुत सारी अलग अलग टाइप के स्टेम का मॉडिफिकेशन होगा, जो हमारे इसमें था कि जो हमारा मेन फंक्शन ऑफ स्टेम हमने देख लिया, इसमें ब्रांचेज थी और लीव्स और फ्लावर्स फ्रूट थे हमारे, वाटर का कंडक्शन था, मिनरल का कंडक्शन था, फोटोसिंथेसिस का कंडक्शन था है ना। सम स्टेम परफॉर्म, जो कुछ स्टेम जो होते हैं परफॉर्म फंक्शन करते हैं, स्टोरेज का काम भी करते हैं हमारे, तो मैंने आपको बताया था स्टेम का स्टोरेज जो काम करेगा वो क्या होगा, जो हमारा पोटैटो होता है वो स्टेम मॉडिफिकेशन होता है ना, जो हमारा स्टोरेज का काम करता है, और जो हमारे सपोर्ट के काम करेंगे, प्रोटेक्शन का काम करेगा। एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये हमको वर्ड बहुत कन्फ्यूजिंग करता है, प्रोपेगेशन का मतलब होता है वेजिटेटिव से पता चल रहा है कि हमारा ये वेजिटेबल से रिलेटेड है ना, वनस्पति से रिलेटेड है, और प्रोपेगेशन का मतलब होता है हमारा कि मतलब अपनी जनसंख्या में वृद्धि करना, अपनी जनसंख्या को प्रोपेगेट करना, यानी एक बढ़ाना है ना, प्रोपेगेशन का मतलब होता है अपनी प्रोजनी को बढ़ाना यानी अपनी जनसंख्या में वृद्धि करना, प्रोपेगेट करना, ठीक है। अब हमको मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के बारे में देखते हैं। द स्टेम में नॉट बी ऑलवेज बी टिपिकली लाइक व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी, स्टेम जो होता है हमें जैसा हम सोचते हैं वैसा हमको नहीं दिखता है, वो हमेशा उस टाइप का नहीं दिखेगा, उसमें डिफरेंट चेंजेस हो सकते हैं, मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन हो जाएंगे, वो डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करेंगे है ना। इसमें क्या है, दे मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन में परफॉर्म करने के लिए हो जाते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम जो होते हैं हमारे, अंडरग्राउंड स्टेम जो होता है हमारा पोटैटो का होता है, जिंगर का होता है, टर्मेरिक का होता है, और जमीकंद का होता है, कैलोकेसिया का होता है, मॉडिफाइंग फॉर स्टोरेज। जो हमारे अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं हमारे, स्टेम होता है पोटैटो का हो गया, जिंगर का हो गया, टर्मेरिक का हो गया, जमीकंद का हो गया, कैलोकेसिया का हो गया, जो कि हमारा हेल्प करते हैं स्टोरेज में, हेल्प करते हैं। इसमें हमको दिया गया है स्टेम जो हमारे कौन कौन से हैं, अंडरग्राउंड स्टेम पोटैटो हो गया, जिंगर हो गया, जिंजर हो गया,
टर्मेरिक हो गया, टर्मेरिक हो गया, जमीनकंद हो गया, जमीनकंद हो गया, और कैलोकेसिया हो गया, कैलोकेसिया हो गया हमारा। ये है हमारे क्या करेंगे, अंडरग्राउंड स्ट्रीम है, ये अंडरग्राउंड स्ट्रीम है, स्टोरेज का काम करेंगे हमारे, स्टोरेज करेंगे, ठीक है, स्टोरेज का काम करेंगे, ठीक है। दे आल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। इसका मतलब ये हुआ, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन का मतलब होता है हमारा, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन का मतलब होता है ये हमारे अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को, अपनी एक्टिविटी को सप्रेस रखेंगे, अपनी एक्टिविटी को सप्रेस करेंगे, और ये जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी तो ये अपनी एक्टिविटी को फिर से मॉडिफाई करके ग्रो करेंगे, और अपने फिर से अपना ये ग्रोथ वगैरह करेंगे। ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन बोलते हैं इसको, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में वो अपने आप को ग्रोथ ना करें, और जब फेवरेबल कंडीशन मिल जाए तो वो अपने आप को ग्रोथ करना स्टार्ट कर दें। टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ, ठीक है, जब उनकी ग्रोथ के अनफेवरेबल कंडीशन हो तो वो अपने आप को एक्टिविटी को सप्रेस रखें, और जो फेवरेबल कंडीशन हो तो वो ग्रोथ करें, ठीक है। स्टेम टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल का भी ये तो हमने देखा था, अंडरग्राउंड स्टेम जो था हमारा, है ना, पोटैटो था, और जिंगर था, टर्मेरिक था, कैलोकेसिया था, जमीकंद था, ये हमारा स्टोरेज में काम कर रहे थे। और जो हमारे स्टेम टेंड्रिल होते हैं, है ना, स्टेम टेंड्रिल जो होते हैं विच डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बड, जो हमने बताया एक्सिलरी बड से स्टेम टेंड्रिल डेवलप होते हैं, ये माते सिलेंडर होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, इनका स्ट्रक्चर होगा सिलेंडर होंगे, स्पायरली कॉइल्ड होंगे, हेल्प टू प्लांट क्लाइंब सच गॉड्स। गॉड्स को क्या होते हैं हमारे, यहाँ पे आपको स्टेम टेंड्रिल जो बताया हमने, स्टेम टेंड्रिल विच डेवलप फ्रॉम द एक्सिलरी बड, जो कि हमारे एक्सिलरी बड से डेवलप होते हैं, जो कि हमारे सिलेंडर होते हैं, स्पायरली कॉइल्ड होते हैं, यानी धागे की नुमा वो कॉइल्ड होंगे, हेल्प टू प्लांट टू क्लाइंब, जो हमारी ये हेल्प करते हैं क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं, है ना, प्लांट के चढ़ने में हेल्प करते हैं, सच एज गॉड, गॉड में हमारे कुकुटबिट्स आते हैं, पम्पकिन आती हैं, वाटर मिलन्स आते हैं, एंड ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन का मतलब क्या हुआ भाई, जो हमारी अंगूर की बेल होती है ना, अंगूर की बेल, ये भी हमारी जो होती है, ये भी हमारी क्लाइंबिंग में हेल्प करती है। और गॉड्स जो हमारे कुकुटबिट, पम्पकिन और वाटर मिलन हो गए, ये हमारे गॉड्स में आते हैं, और जो हमारे स्टेम टेंडिल होते हैं, इनमें स्टेम टेंडिल पाए जाते हैं, ये हमारे क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं, जो कि हमारे एक्सिलरी बड से बनते हैं, ये हम याद रखेंगे, है ना। और स्टेम टेंडिल के बाद हमारा क्या हुआ, एक्सिलरी बड ऑफ स्टेम में आल्सो गेट मॉडिफाई इनटू वुडी, जो हमारी एक्सिलरी बड ऑफ स्टेम होती है वो हमारी स्टेम मॉडिफाई हो जाती हैं इनटू वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न। जो हमारे स्टेम टेंडिल थे वो हमारे स्पॉली कॉल्ड थे, है ना, और हमारे एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन थे, बट जो हमारा स्टेम थॉर्न हो गया, थॉर्न जो मतलब हो गया हमारे कॉटन नुमा स्ट्रक्चर होती है ना, जो जो कि हमारी वुडी होती है और स्ट्रेट होती है और पॉइंटेड होती है, नुकीली होती है ना, स्टेम थॉर्न हमारे होते हैं, वो हमारे किस में हेल्प करते हैं, प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, कि हमारे जो ब्राउजिंग एनिमल होते हैं, चरने वाले एनिमल होते हैं, वो उन पौधों को, पेड़ पौधों को खा ना पाएँ, है ना, अगर कांटे चुभेंगे तो वो खाएंगे थोड़ी ना, इसलिए वो प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। हम तो इसमें टेस्ट में देख लेते हैं क्या लिखा है, एक्चुअली बट ऑफ स्टेम में आल्सो गेट मॉडिफाइड इनटू वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न। थॉर्न आर फाउंड इन मेनी प्लांट सच एज, जो हमारा थॉर्न था किसमें पाया जाता है, मेनी प्लांट सच एज सिट्रस एंड बोगनविलिया। जो हमारा स्टेम थॉर्न था वो हमारा किसमें पाया जाता है, सिट्रस और बोगनविलिया में पाया जा रहा था। दे प्रोटेक्टेड प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल, यानी वो चरने वाले जो जानवर होते हैं उनसे वो प्रोटेक्टेड करता है। सम प्लांट एराइड रीजन मॉडिफाइड देयर स्टेम, कुछ प्लांट्स में हमारा जो होता है उनका जो होता है स्टेम जो मॉडिफाइड हो जाता है, किसमें स्टेम मॉडिफाइड हो जाता है, फ्लैटेड स्टेम फ्लैट हो जाता है, यानी स्टेम मॉडिफाइड हो जाता है एज स्ट्रक्चर लाइक लीफ, है ना, लीफ की तरीके वो मॉडिफाइड हो जाता है, जिसको हम अपुंसिया बोलते हैं, है ना, अपुंसिया बोलते हैं, नागपनी वाला, ठीक है, अपुंसिया। और फ्लैसी सिलेंडर, और फ्लैसी हो जाएगा और सिलेंड्रिकल हो जाएगा तो हम उसको बोलेंगे यूफोरिया। यूफोरिया में जो होता है स्टेम होता है फ्लैसी और सिलेंडर हो जाता है, सिलेंड्रिकल हो जाता है, जो हमारा अपुंसिया में होता है इसमें हमारा फ्लैटेंट हो जाता है ना। और ये हमारा काम क्या करते हैं, दे
कंटेन क्लोरोफिल एंड करी फोटोसिंथेसिस। ये हमारे इसमें क्लोरोफिल होता है, वो हमारी फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो हम इसमें देखते हैं आगे, इसके लिए मैंने ट्रिक स्टेम टेंड्रिल और स्टेम थान के लिए हमने ट्रिक बना दी है। स्टेम टेंड्रिल जो हमारा हो गया, स्टेम टेंड्रिल किस में पाया जाता है, स्टेम थान। स्टेम थान के लिए आप सिंपल वर्ड से याद कर सकते हैं, स्टेम थान के लिए आप सिंपल वर्ड से याद कर सकते हैं BTC, है ना, BTC यानी सिट्रस और ये बोगनविलिया, है ना, बोगनविलिया और ये हमारा हो गया स्टेम थॉर्न, जो कि हमारा एग्ली वर्ड का मॉडिफिकेशन था, है ना, ये स्टेम थॉर्न हो गया। जो हमारा इसमें था स्टेम, जो हमारा फ्लैटन हो रहा था, स्टेम जो हमारा फ्लैटन हो रहा था वो अपोन्सिया में था, और फ्लैसी और सिलेंडर हो रहा था वो हमारा यूफोर्बिया में था, जो कि हमारा फोटोसिंथेसिस का काम कर रहा था, जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट था, क्लोरोफिल था, इसलिए हमारा भी फोटोसिंथेसिस कर रहा था। अब हमको मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज, इसमें कुछ हमको फिगर दिए गए हैं, उन देख लेते हैं। स्टेम का मॉडिफिकेशन जो था वो होता है वो किस में हो जाते हैं, स्टोरेज में। फर्स्ट हमको दिया गया स्टेम का मॉडिफिकेशन जो स्टोरेज में ए वाला फिगर हमारा जिंगर हो गया, जमीकंद हो गया और पटेटो हो गया, ये स्टेम के मॉडिफिकेशन है सारी, ये स्टोरेज में हेल्प करते हैं। और ये हमारा जो हो गया सपोर्ट में हेल्प कर रहा है, हमारा ये सपोर्ट में हेल्प कर रहा है, तो हमारा स्टेम टेंड्रिल हो गया, ये हमारा जो था सपोर्ट में हेल्प कर रहा था, तो हमारा स्टेम टेंड्रिल हो गया, है ना, स्टेम टेंड्रिल हो गया हमारा, जो कि हमारा किस में पाया जाता था, स्टेम टेंड्रिल हमारा किस में पाया जाता था भाई, स्टेम टेंड्रिल का मॉडिफिकेशन जो था ग्लीवर्ट का मॉडिफिकेशन था, है ना। और हमारा फिर हमको दिया गया है, ये हमारा स्टेम प्रोटेक्शन में हमारा स्टेम थॉर्न दिया गया है। स्टेम थॉर्न जो होता है बोगनविलिया स्पीशीज होती हैं उसमें पाया जाता है। स्टेम जो होता है मॉडिफाइड इनटू स्पाइन में मॉडिफाई हो जाता है, जो कि हमारे प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, जिसको मैंने आप ट्रिक बनाई BTC, है ना, उससे हम याद कर लेंगे। बोगनविलिया सिट्रस में हमारा स्टेम थॉर्न पाया जाता था। और जो हमारा था स्प्रेड एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो हमारा ऑक्सिलरी स्पीशीज होती हैं उसमें हमारे जो होते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब कोई भी प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट, लीफ स्टेम लीफ, है ना, रूट स्टेम लीफ, जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं उनसे हमारा नया प्लांट बन जाए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इसको हम बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा होता है, ये मैंने आपको बता दिया था कि जो हमारा स्टेम जो मॉडिफाई हो जाता है फ्लैटेंड स्ट्रक्चर में मॉडिफाई होता है, अपोन्सिया में होता है, और जो होता है फ्लैसी और सिलिंड्रिकल होता है वो यूफोर्बिया में होता है। तो ये हमारे क्या, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि हमारे फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में अंडरग्राउंड स्टेम जो होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट सच एज ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी, मतलब कुछ हमारे प्लांट्स जो होते हैं अंडरग्राउंड होते हैं स्टेम, उनमें ग्रास और स्ट्रॉबेरी में ये क्या होते हैं, स्प्रेड टू न्यू नीच एंड ओल्डर पार्ट डाई, मतलब हमारा जो नया पार्ट बनेगा तो ओल्डर पार्ट डाई हो जाएगा, न्यू प्लांट आर फॉर्म और नया प्लांट बन जाएगा। इन प्लांट लाइक मिंट एंड जैस्मिन, मिंट और जैस्मिन जो होते हैं हमारे, ए सिलेंडर लेटरल ब्रांच, मतलब एक लेटरल ब्रांच निकलेगी, सिलेंडर होगी, अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ मेन एक्सिस, तो मेन एक्सिस से बनेगी, एंड आफ्टर ग्रोइंग ए रैली, यानी ऊपर की तरफ वो ग्रो होगी, फॉर सम टाइम आर्च डाउनवर्ड, और वो हमारी डाउनवर्ड आके मिल जाएगी, यानी हमारी अंडरग्राउंड से ग्रो हुई, आर्च हुई, फिर वो डाउनवर्ड आके मिल गई, है ना, और ग्राउंड को वो टच करेगी। ए लेटरल ब्रांच विथ शॉर्ट इंटरनोड एंड ईच नोड बियर रोसेट ऑफ लीफ एंड ए टफ ऑफ रूट इज फाउंड इन एक्वाटिक प्लांट, जो हमारे पिस्टिया और रिकॉर्निया होते हैं, है ना, इनमें इनमें जो होगी लेटरल ब्रांच, जो इसकी लीफ होंगी एक स्थान से एक रोसेट से निकलेगी, मतलब यहाँ से ऐसे ऐसे झुंड पे निकलेंगे, है ना, टफ ऑफ रूट बना देगी, ना, जो कि हमारी पिस्टिया और रिकॉर्निया में होती हैं, जो कि हमारी इकॉर्निया होती है मोस्ट प्रॉब्लमेटिक बीड है, एक्वाटिक बीड है, जो कि हमारी बाहर से आई, है ना, एलियन स्पीसीज, जो कि हमारी इसकी लीफ से शेप के और कलर से इसके, मतलब इसके कलर और शेप के बेसिस पे, मतलब इतना अट्रैक्टिव होता है कि मतलब इसको हम लोग अपने इंडिया में ले आए, ठीक है। और ये बहुत प्रॉब्लमेटिक वीड है हमारी। और जो हमारा इन बनाना होता है, पाइन एप्पल होता है एंड क्राइजेंथमम होता है,
इनमें लेटरल ब्रांच ऑरिजिनेट फ्रॉम द वेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्ट्रीम ग्रो हॉरिजॉन्टल बीनेथ द सॉइल एंड देम आउट द ऑब्लिक अपवर्ड गिव राइज टू लीफी शूट। अब हम आपको इसमें सिंपल वर्ड बताते हैं, ये तो लिखा तो बहुत कुछ है, ऐसे कन्फ्यूज होगा आपको, मैं सिंपल वर्ड में बताता हूँ इसका कहने का मतलब क्या है, इस पैराग्राफ का मतलब क्या है। तो आप देखें, तो इस पैराग्राफ में हमको यही बताया गया था कि हमारे रनर क्या होते हैं, सकर क्या होते हैं, तो उसमें बहुत कन्फ्यूजिंग था, मैंने आपको सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ। जो हमारे रनर होते हैं वो हमारे किस में पाए जाते हैं। रनर का मतलब हो रहा है कि मतलब ये चलेंगे, जमीन पर रन करेंगे, है ना, रेंगे के टाइप के। तो इसमें रनर का मतलब होता है ये हमारा किस में पाया जाएगा, रनर हमारा ऑक्जेलिस में पाया जाएगा और ग्रास में पाया जाएगा, यानी धूप ग्रास और ऑक्जेलिस में हमारा रनर पाया जाएगा। और जो हमारा सकर होगा वो हमारा बनाना में पाया जाएगा और हमारा मिंट में पाया जाएगा और पाइन एप्पल में पाया जाएगा और क्राइजेंथम में पाया जाएगा। जो हमारा होगा ये क्या होगा, ये हमारा ये होगा सकर। सकर हमारा किस में पाया जाएगा, बनाना में, मिंट में, पाइन एप्पल में, क्राइजेंथम में, और हमारा एक और होगा इसमें जो कि हमारा होगा जैस्मिन, है ना, इसमें एक और होगा जो कि हमारा होगा जैस्मिन में हमारा तीन ये पाया जाएगा सकर, ठीक है, बनाना में, जैस्मिन में, मिंट में, पाइन एप्पल में, क्राइजेंथम में हमारा सकर पाया जाएगा। और जो हमारा स्टॉलिन पाया जाएगा, एक और होता है स्टॉलिन होता है, स्टॉलिन जो हमारा पाया जाएगा, स्टॉलिन जो होगा हमारा वो स्ट्रॉबेरी पे होगा, है ना, स्टॉलिन होगा हमारा स्ट्रॉबेरी में होगा। ये हमारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि हमारा रनर क्या है, सकर क्या है, दो ग्रास और गेलिस में क्या क्या पाए जा रहे हैं, है ना, स्टॉलिन किस में पाए जा रहे हैं, स्टॉलिन हमारा स्ट्रॉबेरी में पाया जाता है। और जो हमारा ऑफसेट होता है इसको पिस्टिया और इकॉनिया में पाए जाते हैं, इसमें हमारे एक जगह से लीफ निकलती है, रॉसेट ऑफ लीफ निकलती हैं, तो हमारी ये होती हैं पिस्टिया और इकॉनिया में, तो हमारी इक्वाटिक है पिस्टिया और इकॉनिया जो हमारी इक्वाटिक हैं, इसमें हमारी ऑफसेट पाया जा रहा है ना, इसमें जो लीफ होंगी एक झुंड में निकलेंगी तो इसको हम बोलेंगे ऑफसेट ऑफ लीफ, मतलब ऑफसेट पाए जाएंगे पिस्टिया और इकॉनिया में, है ना, रॉसेट ऑफ लीफ हमारी होती है। तो हम ये देख लेते हैं, अब हमारा हो गया स्टेम खत्म हो गया, अब हम लीफ के बारे में देखेंगे, है ना, लीफ क्या होता है, लीफ होती हैं, लीफ इज ए लैटरल, जो हमारी लीफ होती है वो लैटरल होती है, है ना, जनरली फ्लैटन मतलब चपटा स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, बॉर्न ऑन स्टेम, और ये हमारी स्टेम में बॉर्न होती हैं। तो हमको तीन चीज़ें पता चली इसमें, क्या तीन चीज़ें पता चली कि हमारी ये लैटरल होती हैं, है ना, जनरली फ्लैटन होती हैं यानी चपटी होती हैं, और ये हमारी स्टेम में बॉर्न होती हैं। इट डेवलप एट द नोड एंड बियर इट डेवलप एट द नोड, ये नोड में डेवलप होती हैं, एंड बियर ए बर्ड इन इट्स एक्सिल, और अपने एक्सिल में ये बर्ड बियर करती हैं, जो कि हमारी क्या होती हैं, एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं। एक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप इन टू ब्रांचेज, जो एक्सिलरी बर्ड होती है वो हमारी लेटर आगे चल के हमारी ब्रांचेज में डेवलप हो जाती हैं, है ना, एक्सिलरी बर्ड होगी हमारी वो आगे चल के ब्रांच में डेवलप हो जाती हैं। लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टम, जो हमारी रूट होती है वो शूट एपिकल मेरिस्टम से ओरिजिनेट होती है। एंड अरेंज एट एक्रोपिटल ऑर्डर, एक्रोपिटल ऑर्डर, बेसिपिटल ऑर्डर, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, आगे चल के हमको पढ़ना होगा, है ना, एक्रोपिटल ऑर्डर क्या होता है, बेसिपिटल ऑर्डर क्या होता है। एक्रोपिटल का मतलब होता है जो कोई भी नई चीज़ बनेगी वो लीफ बने, है ना, न्यू लीफ जो होगी एक्सिस की तरफ होगी, मतलब जो नई चीज़ होगी न्यू जो होगा वो एक्सिस की तरफ होगा, यानी जो नई लीफ बनेगी वो हमारी एक्सिस की तरफ बनेंगी यानी ऊपर की तरफ बनेंगी। और बेसिपिटल का ऑर्डर क्या होगा, मतलब बेसिपिटल का मतलब होगा जो नई लीफ बनेगी वो बेस की तरफ बनेगी, तो यानी वो बेसिपिटल ऑर्डर हो जाएगा, है ना। द एक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप इनटू ब्रांच, एक्सिलरी बर्ड जो होती हैं वो ब्रांच में डेवलप हो जाती हैं, है ना। और लीफ्स ओरिजिनेट शूट एपिकल मेरिस्टम, रूट हमारी जो शूट एपिकल मेरिस्टम से ओरिजिनेट होती हैं, और एक्रोपिटल ऑर्डर पर वो अरेंज हो जाती हैं, यानी नई लीफ बनेगी वो एक्सिस की तरफ बनेगी। दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस, ये हमारा दिया गया है, ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी लीफ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। इसको हम क्यों बोलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमारे इसमें जो होती हैं लीफ में होते हैं हमारा क्लोरोफिल होता है, लीफ में क्या होता है हमारा क्लोरोफिल होता है,
लीफ में हमारा होता है क्लोरोफिल होता है, जो कि हमारा फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में CO2 होती है, उसमें हमारा क्लोरोफिल हमारा स्टार्च बनता है। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस होता है लीफ। ए टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट। जो हमारी एक टिपिकल लीफ होती है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो हम देख लेते हैं। उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक लीफ बेस होता है जहाँ से हमारी स्टेम से लीफ जुड़ी होगी, है ना। एक पेट्यूल होता है जो हमारा लीफ बेस और लमाइना को अटैच करता है, और एक लमाइना होता है, लमाइना जिसको हम लीफ ब्लेड बोलते हैं, है ना। लमाइना को हम क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड बोलते हैं। लेमाइना लीफ ब्लेड, लीफ ब्लेड बोलते हैं, लीफ ब्लेड बोलते हैं लमाइना को, ठीक है। द लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाई लीफ बेस, यानी जो हमारी लीफ होती है वो अटैच होती है स्टेम से विद द हेल्प ऑफ लीफ बेस, है ना। जो हमारी लीफ होती है वो अटैच होती है स्टेम से लीफ बेस। एंड मेनी एंड में बी ए टू लेटरलर, जो हमारी लेटरलर साइड में टू स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो कि हमारी स्टिपिल्स बोलते हैं, जो हमारी स्टिपिल्स होती हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, स्मॉल होती हैं, ये हमको जो दिखा गया है लेटरल होती हैं, स्टिपिल्स बोलते हैं इनको, है ना। इन मोनोकोटिलेडनस द लीफ बेस एक्सपेंड इनटू सीथ कवरिंग द स्टेम पार्सली और वोली, यानी जो हमारी होती हैं, ये क्या कह रहा है, हमारे मोनोकॉट होते हैं, मोनोकॉट में जो हमारा होता है लीफ बेस जो होता है हमारा, यानी लीफ बेस जो होगा, ये लीफ बेस जो होगा हमारा, वो हमारे स्टेम को पार्सली और वूली, यानी आधे तरीके से या पूरे तरीके से उसको कवर कर लेता है। तो इसका एग्जांपल हमको बनाना में, बनाना के उसमें प्लांट में हम देखो, बनाना के पौधे में देखो, जो इसका स्टेम होता है ना, बनाना का जो स्टेम होता है वो लीफ से, लीफ बेस से पूरी तरह से कवर होता है। उसमें बहुत सारी व्रेप्ड होती हैं, मतलब उसमें पत्तियां चिपकी हुई होती हैं स्टेम का। कभी बनाना का स्टेम फाड़ के देखो तो उसमें बहुत सारी पत्तियां स्ट्रक्चर के रूप में दिखेंगी आपको, है ना। उसका मतलब यही है। इन मोन लीफ बेस एक्सपेंड इनटू द सीथ कवरिंग, मतलब एक सीथ कवरिंग के रूप में बना लेता है स्टेम में पार्सली और वो लीफ को कवर कर लेता है। इन सम लेग्यूमिनस प्लांट, मतलब कुछ हमारे लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, यानी लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं हमारे, वो दाल वाले फैमिली को हम लेग्यूमिनस बोलते हैं, है ना। जितनी हमारी दाल वाली फैमिली होती है यानी फबेसी फैमिली होती है, वो हमारी लेग्यूमिनस में आती हैं। इन सम प्लांट्स लीफ, जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनमें जो लीफ बेस होता है बिकम सॉलिड, उनमें जो लेग्यूमिनस प्लांट में लीफ बेस होता है वो सॉलिड हो जाता है, विच कॉल्ड पल्बिनस, जिसको हम पल्बिनस बोलते हैं, है ना। जो हमारे लीफ लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, ये हमारे क्वेश्चन में आता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और ये कॉमन क्वेश्चन है ज़्यादातर एग्जाम में, कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं पल्बिनस क्या है, किस में पाया जाता है। आपको एग्जाम्पल दे देगा फबेसी का, यानी लेग्यूमिनस का कोई एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा किस में पल्बिनस पाया जा रहा है, किस में पल्बिनस नहीं पाया जा रहा है। तो हमको आप ये अच्छे से याद रखना है। द पेट्रियोल, पेट्रियोल का काम क्या होता है, पेट्रियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट, यानी पेट्रियोल जो होता है हमारा लीफ ब्लेड को पकड़ के रखता है, होल्ड रखता है। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेट्यूल, या जो हमारा पेट्यूल जो हमको दिखा रहा है यहाँ पे, ये जो हमारा पेट्यूल है ये लीफ ब्लेड को हमको पकड़ के रखा है और लीफ बेस से जुड़ा हुआ है, है ना। ये लंबा है यानी लॉन्ग है, फ्लेक्सिबल है, है ना। पेट्यूल अलाउ टू लीफ ब्लेड फ्लटर इन वाइंड, यानी ये लीफ ब्लेड जो होता है, सॉरी पेट्यूल जो होता है वो लीफ ब्लेड को पकड़ के रखता है, लीफ बेस और हमारा स्टेम से जुड़ा होता है बेस से। ये हमारे लमाइना को जो होता है हवा में फ्लटर, यानी उसको हवा में उड़ने में मदद करता है, फ्लटर करने में मदद करता है, है ना। जिससे क्या होता है, देयर बाय से हमारा क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो कूल हो जाता है, इसका टेम्परेचर कूल हो जाता है। लीफ ब्लेड ब्रिंग फ्रेश एयर एट द लीफ सरफेस, और हमारे जब हमारा लीफ ब्लेड फ्लटर करेगा तो हमारे जो उसमें लीफ की सरफेस पे जो होगी फ्रेश एयर आएगी, है ना, फ्रेश एयर आएगी। देयर बाय इसमें क्या है, एयर लीफ सरफेस द लमाइना और लीफ ब्लेड्स, लमाइना को हम लीफ ब्लेड्स बोलते हैं, इज ग्रीन, ये ग्रीन होता है, एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विद वेन एंड वेनलेट, यानी हमारे जो लमाइना होते हैं उनमें हमारी वेन और वेनलेट पाई जाती हैं, विच इज नोन एज मिड रिब, है ना। इसमें एक होती है प्रोडोमिनेंट वेन होती है जिसको हम मिड रिब बोलते हैं। जो हमारे होते हैं लीफ ब्लेड जो होते हैं ग्रीन होता है, उसमें वेन और वेनलेट पाएंगे। देयर इज यूजली मिडिल प्रोडोमिनेंट, एक जो बीच में हमारी ये दिखा रही है हमको, ये मिडिल प्रोडोमिनेंट है, इसको हम मिड रिब बोलते हैं, है ना। मिडिल प्रोडोमिनेंट वेन विच नोन एज मिड रिब
वेन प्रोवाइडिंग रिजिडिटी, जो हमारी वेन होंगी, वेन यहाँ साइटोस्केलेटन का काम करेंगे, एक तरह से मतलब स्केलेटन का काम करेंगे, हमारे स्केलेटन का काम करेंगे इसमें कि पत्तियों में जो है रिजिडिटी प्रोवाइड करवाने के लिए, यानी उसको कड़ापन प्रोवाइड करवाने के लिए वो हमारी वेन होंगी, है ना। वेन द लीफ ब्लेड एक्ट एज अ चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल एंड फूड मटेरियल, जो हमारा लीफ ब्लेड्स होता है उसमें वेन्स पाई जाएंगी, तो वेन का काम होता है कंडक्शन, मतलब किसी चीज़ का कंडक्शन कराएं, जैसे हमारी बॉडी में आर्टरी, वेन, वेन्यूल्स, कैपिलरीज, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमारी वेन्स होती हैं ब्लड का कंडक्शन कराती हैं, है ना, आर्टरीज वगैरह भी ब्लड का कंडक्शन कराती हैं, तो इसी तरह इसमें क्या होगा, इसमें भी कंडक्शन होगा, किसका कंडक्शन होगा, वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा, है ना, मिनरल का होगा, फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होगा। द सेप मार्जिन अपेक्स सरफेस इज एक्सटेंडेड ऑफ इंसाइजन लेवाइना वेरिस इन डिफरेंट लीप, मतलब इसका मतलब ये है, ये जो हमारा इंसिजन दिखा रहा है लीप ब्लेड का, जो हमारा मान लो ये लीफ हो गई, ये सपोर्ट डेट, ये लीफ है, तो इसका जो इंसिजन, ये हमको इसमें दिखा रहा है इंसिजन जो हमारा, ये डिफरेंट डिफरेंट लीप में अलग अलग हो सकता है, इसकी जो बनावट है, ये कटाव है, ये अलग अलग हो सकता है, ये इसमें अलग है, सिंपल टाइप का दिख रहा है इसमें, इसमें जो इसमें कटे कटे दिख रहे हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट लीप में डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। हम आगे चल के बताएंगे अगर सिंपल लीप क्या होती है, कंपाउंड लीप क्या होती है, कंपाउंड में भी पिनेटली कंपाउंड क्या होती है, पामेटली कंपाउंड लीप क्या होती है, वो सब हम आगे चल के इसमें डिस्कस करेंगे। तो हम इसमें स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं कि हमारा इसमें एक्जिलरी बड, जो हमारी ये एक्जिलरी बड थी, एक्जिलरी बड से हमारी लीफ राइज हुई, और ये हमारी स्टिपल्स लीप के बेस पे, लीप बेस पे हमारा स्टिपल्स पाया जाता है, है ना। जो हमारा पेटियोल्स होता है वो हमारा लीप ब्लेड को पकड़ के रखता है और हमारा लीप बेस से जुड़ा हुआ होता है, है ना। और ये हमारा लमाइना होता है, लमाइना में हमारी वेन और वेनलेट पाई जाती हैं, सॉरी वेन्स, है ना, और हमारी एक प्रोडोमिनेंट वेन जो मिडरी पाई जाती है, जिसको हम लमाइना, जिसको हम लीप ब्लेड भी बोलते हैं। ये हमने सब देख लिया, अब आगे देखते हैं वेनेशन क्या होता है। अब हम इसमें देखते हैं वेनेशन क्या होता है। वेनेशन क्या है हमारा, द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेन लिट इन द लमाइना, यानी हमारे लमाइना में वेन और वेन लिट का अरेंजमेंट को हम वेनेशन बोलते हैं, है ना। हम देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेन लिट लमाइना ऑफ लीफ, यानी लीफ के लमाइना में अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेन लिट को हम वेनेशन बोलते हैं। वेन द वेन लिट फॉर्म नेटवर्क द वेनेशन टर्म रेटिकुलेट, मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताऊँगा बहुत अच्छी सी, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। यानी जो हमारा होता है, जब हमारा वेन लिट, है ना, जो हमारी वेन लिट होती हैं वे नेटवर्क के तरीके बन जाती हैं, जाला अपना आप जाल फैला देती हैं, तो उस टाइप के वेनेशन को हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, है ना। और वेन जब वेन रन पैरेलल टू अदर विद इन लमाइना, यानी जब हमारे वेन, एक वेन जैसे हमारी इसमें ये देखो एक बेन ये है, तो हमारी इसमें ये पैलर हैं, एक दूसरे के पैलर हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, इसको हम पैलर बनेशन बोलते हैं। इसमें रेटिकुलेट बनेशन में देखो एक जाली के तरीके इधर बेन जा रही इधर जा रही है, तो इसको हम रेटिकुलेट बनेशन बोलते हैं, है ना। लीव्स ऑफ डाइकोटिलेडन प्लांट जनरली पॉसेस रेटिकुलेट, यानी जो हमारी डाइकॉट प्लांट की लीव्स होती हैं वो जनरली क्या शो करती हैं, रेटिकुलेट बनेशन शो करती हैं, और जो हमारी पैलर बनेशन शो करती है वो हमारी मोस्टली मोनोकॉट होती है, वो हमारी पैलर बिनेशन शो करती हैं। अब हम आपको इसके लिए एक ट्रिक बताते हैं, बहुत मस्त ट्रिक है। हम दो वर्ड याद रखेंगे, क्या क्या, एक याद रखेंगे मैप, मैप तो सभी जानते हैं भाई, है ना। मैप, मैप का मतलब यम से मतलब हो गया मोनोकॉट, मोनोकॉट, और ए से मतलब हो गया हमारा एडवेंटेटियस रूट, एडवेंटेटियस रूट, और पी से हो गया हमारा पैरेलल विनेशन, पैरेलल विनेशन। यानी हम मोनोकॉट में क्या होगा हमारा, मोनोकॉट में हमारी एडवेंटेटियस रूट होती है, जो कि हमने देखा था अभी, है रूट वाले इसमें, और जो पैरेलल विनेशन होगा हमारा मोनोकॉट में पाया जाएगा। तो हम ट्रिक से सिंपल याद कर लिए, यानी मोनोकॉट में एडवेंटेटियस रूट और पैरेलल विनेशन, है ना। अब डाइकॉट के लिए हम लोग देखते हैं डीटीआर, डाइकॉट के लिए हम देखते हैं डी टी आर, डी से डाइकॉट, टी से टैप रूट, हमारा आर से रेटिकुलेट विनेशन, रेटिकुलेट विनेशन। यानी हमारा मोनोकॉट के लिए मैप,
मोनोकॉडमी, मोनोकॉडमी एडवेंट्रिकुलर रूट, पैरेलल ब्रेनेशन और डाइकॉटमी हमारी डीटीआर यानी डाइकॉट में टैप रूट और रेटिकुलेट ब्रेनेशन हमने देख लिया ना। अब हमको ये फर्स्ट में हमको तो पार्ट ऑफ लिप दिखाया गया था, ये पार्ट ऑफ लिप दिखाया गया था, उसके बाद हमको दिखाया गया ये हमारा बी वाला रेटिकुलेट ब्रेनेशन था जो कि हमारा डाइकॉट में पाया जा रहा था, और सी वाला हमारा पैरेलल ब्रेनेशन था जो कि हमारा मोनोकॉड में पाया जा रहा था। अब टाइप ऑफ लिप देखते हैं किस टाइप की लीफ्स होती हैं, सिंपल लीफ क्या होती हैं, कंपाउंड लीफ क्या होती हैं। तो टाइप ऑफ लीफ में देखते हैं, ए लीफ इज सेड टू बी सिंपल। हम लीफ को सिंपल कब बोलते हैं है ना, व्हेन लमाइना इज इंटायर और व्हेन द इंसिजन डू नॉट टच मिड लीफ। अब आपको मैं बताता हूँ सिंपल टर्म में, मान लो ये मेरी लीफ होगी ठीक है, ये लीफ होगी। अब हमारा जो इंसिजन, ये हमारी सिंपल लीफ है, यहाँ पे हमारी इंसिजन जो हमारा ये लमाइना जो है इंटायर है मतलब सेफ है, ये कहीं पे भी कटा हुआ नहीं है ठीक है, तो इसको हम सिंपल लीप बोलेंगे, इस टाइप की लीप को हम सिंपल लीप बोलेंगे। ये हमारी होगी मिड रिप, ये हमारी होगी मिड रिप, ये हमारा सिंपल है यानी इसमें कहीं भी इंसिजन नहीं है, कहीं भी कटा हुआ नहीं है। और अगर हमारा कटा हुआ भी है, अगर हमारा ये कटा हुआ भी बना हुआ है लीप का लीप ब्लेड कटा हुआ भी बना हुआ है, तो हमारा ये मिड रिप को टच नहीं कर रहा है, यानी मिड रिप को हमारा सॉरी हमारा ये मिड रिप को टच नहीं कर रहा है, यानी ये मिड रिप होगी, ये हमारा इंसिजन है, ये हमारा इंसिजन हमारा मिड रिप को टच नहीं कर रहा है, तो भी हम इसको सिंपल लिप बोलेंगे है ना, तो भी हम इसको सिंपल लिप बोलेंगे। अगर हमारा यही इंसिजन जो हमारा ये मिड रिप होगी और यही इंसिजन हमारा मिड रिप को टच कर रहा है तो हम इसको बोलेंगे कंपाउंड लिप है ना, ये हम बोलेंगे कंपाउंड लिप। कंपाउंड लिप टू टाइप की होती है, फिर पिनेटली कंपाउंड लिप, पर्मनेंटली कंपाउंड लिप, वो हम देख लेते हैं, इस पर आपको बताएंगे। टाइप ऑफ लीफ में ए लीफ सेड टू बी सिंपल व्हेन लमाइना इज इंटायर, इंटायर यानी पूरा समूचा है, और अगर उसमें इंसिजन भी है, उसमें कटा हुआ भी है, तो इंसिजन्स डू नॉट टच द मिड रिप, यानी इंसिजन जो है वो मिड रिप को टच ना करे, तो इसको सिंपल लीफ बोलेंगे है ना। व्हेन इंसिजन ऑफ लमाइना रीच अप टू मिड रिप, जो इंसिजन ऑफ लमाइना था यानी लीफ का जो कटा हुआ हिस्सा था वो मिड रिप तक पहुँच गया और मिड रिप तक टच हो गया है ना। When incision of lamina reach to mid rib, breaking into number of leaflets, और वो number of leaflets में उसको break कर दें, तो ऐसी leaf को हम बोलते हैं compound leaf। ऐसी leaf को हम बोलते हैं जैसे mid rib हो गई और ये हमारी leaflets में break कर दिया, एक leaflets ये बन गया, एक leaflets ये बन गया, तो इसको हम बोलते हैं compound leaf है ना, इसको हम बोलते हैं compound leaf। A bud is present in axil of petiole इन बोथ सिंपल और कंपाउंड लीफ, जो हमारी बर्ड्स प्रेजेंट होगी एग्जाइल और पेट्रियोल में, तो वो सिंपल और कंपाउंड लीफ दोनों में होगी है ना, सिंपल और कंपाउंड लीफ दोनों में होगी, बट एग्जाइल लीफलेट्स ऑफ कंपाउंड लीफ बट जो हमारी होगी, बट नॉट इज एग्जाइल ऑफ लीफलेट्स ऑफ कंपाउंड लीफ, जो कंपाउंड लीफ का लीफलेट्स में ब्रेक कर देगा, जो हमारा इंसिजन जो था मिड रिप को टच करेगा, तो उसमें जो होगी वो मिड रिप जो होगी लीफलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसमें हमारी जो होगी क्या होगा, उसमें हमारी जो बर्ड्स होगी वो प्रेजेंट नहीं होगी ठीक है, तो हमारी बर्ड्स सिंपल कंपाउंड में दोनों में पाई जाएगी, बट लीफलेट्स में जब वो ब्रेक हो जाएगी कन्वर्ट हो जाएगी तो उसमें हमारी बर्ड्स नहीं पाई जाएगी। जो हमारी कंपाउंड लीफ टू टाइप की होती है मैंने आपको बताया, कंपाउंड लीफ टू टाइप की होती हैं है ना, एक पिनेटली कंपाउंड लीफ है ना, पिनेटली कंपाउंड लीफ का मतलब क्या होता है, पिनेटली कंपाउंड लीफ में भी टू टाइप, पिनेटली कंपाउंड लीफ इज ए नंबर ऑफ लीफलेट आर प्रेजेंट इन कॉमन एक्सिस है ना, कॉमन एक्सिस से प्रेजेंट हो एज इन रैचेस, मतलब एक रैचेस पे, जैसे रैचेस मतलब एक, ये हमको नीम का दिखाया गया एग्जांपल, ये हमारा पिनेटली कंपाउंड लीफ का एग्जांपल है ना, विच रिप्रेजेंट द मिड रिप ऑफ लीफ एज नीम, यानी नीम के हमारे जो मिड रिप्स में होते हैं, ये हमको दिखाया गया है कि हमारा ये पिनेटली कंपाउंड का एग्जांपल है क्योंकि इसमें एक ये रैचिस पे पाए जा रहे हैं है ना, पिनेटली कंपाउंड लिप का एग्जांपल है ना। पामेटली कंपाउंड लिप से हमको पता चल रहा है क्या, पाम मतलब हथेली, जो ऐसे हमारी हथेली होती है ना, ये पाम जो हमारे पाम होते हैं, ये हथेली इसमें हमारी फिंगर्स जो होती हैं ये कॉमन और पॉइंट से जुड़ी हुई हैं, उसी तरह से इसमें हम मिला के पढ़ लेंगे इसको, हम
समराइज मैनर पे पढ़ लेंगे कि पर्मनेंटली कंपाउंडली जो हमारा रिलेटेड है पाम से, पाम के तरीके से हम याद कर लेंगे, ठीक है। इन पर्मनेंटली कंपाउंड लीव्स द लीफ लेट्स आर अटैच एट ए कॉमन पॉइंट, यानी जो हमारी होती हैं पर्मनेंटली कंपाउंड लीफ होती है, इसमें लीफलेट जो होते हैं एक कॉमन पॉइंट से अटैच होते हैं। द टिप ऑफ पेट्रियोल, और उसके पेट्रियोल के टिप पे कॉमन पॉइंट पे अटैच होते हैं। ये जो किसमें पाई जाती है पर्मनेंटली कंपाउंड लीफ जो होती है हमारी, सिल्क कॉटन पे पाई जाती है, यानी कॉटन पे पाई जाती है। इसके हमको फिगर्स भी दिए गए थे। ये हमारी जो थी नीम में जो हमारी पाई जा रही थी वो पिनेटली कंपाउंड लीफ पाई जा रही थी, और जो हमारी सिल्क कॉटन में जो थी हमारी पर्मनेंटली कंपाउंड लीफ पाई जा रही है, हमको एग्जाम्पल भी दिए गए हैं इसके। अब हम देखते हैं फैलोटैक्सी। फैलोटैक्सी क्या होता है ना, ये फैलोटैक्सी क्यों बोलते हैं इसको हम देखते हैं। फैलोटैक्सी का मतलब होता है, फैलोटैक्सी पैटर्न अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच, यानी फैलो, फैलो से पता चल रहा है हमारा मतलब वो लीव से रिलेटेड है ना। फैलोटैक्सी का मतलब लीव से रिलेटेड है। फैलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच, यानी लीव का अरेंजमेंट स्टेम की ब्रांच में, स्टेम में और उसकी ब्रांच में, हम उसको फैलोटैक्सी बोलते हैं। दिस इज यूजली और थ्री टाइप्स, है ना, ये हमारी जो होती हैं थ्री टाइप्स होती हैं। ये हमारी जो फैलोटैक्सी होती हैं थ्री टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी थ्री टाइप्स होती हैं? एक होती है अल्टरनेट होती है, एक अपोजिट होती है, और एक होती है वॉर्ल। अल्टरनेट का मतलब वो हमको बता रहा है एक अल्टरनेट मैनर पे होगा, अपोजिट का मतलब हमारा अपोजिट मैनर पे होगा, और जो हमारा वॉर्ल होगा मतलब ये कि हमारी एक कॉमन पॉइंट पे हमारी अटैचमेंट होगा इसका, है ना, वॉर्ल। तो हम देखते हैं इसमें इन अल्टरनेट टाइप ऑफ फैलोटॉक्सी। अल्टरनेट टाइप ऑफ फैलोटॉक्सी में क्या होता है, ए सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर, यानी हमारी अल्टरनेट फैलोटॉक्सी में हमारी एक सिंगल लीफ एक अलग मतलब अल्टरनेट मैनर पे अराइज होगी, है ना। अल्टरनेट टाइप ऑफ फैलोटॉक्सी सिंगल लीफ अराइज ईच नोट एंड अल्टरनेट मैनर पे अराइज होगी, जो कि हमारा चाइना रोज पे पाया जाता है। एग्जांपल जो हमारा अल्टरनेट फैलोटॉक्सी का एग्जांपल होता है वो चाइना रोज होता है, है ना, चाइना रोज हो गया, चाइना रोज हो गया, मस्टर्ड हो गया, और सनफ्लावर हो गया। तो इसके लिए हम ट्रिक बना लेंगे एम एस सी सभी जानते हैं मस्टर्ड, है ना, यम से मस्टर्ड, मस्टर्ड, यस से सनफ्लावर, सनफ्लावर, और सी से हमारा हो गया चाइना रोज। यानी मस्टर्ड, सनफ्लावर और चाइना रोज में जो हमारी फैलोटैक्सी पाई जाएगी वो हमारी अल्टरनेट फैलोटैक्सी पाई जाएगी। हमारी जो होगी लीफ जो होगी अराइज होगी वो हमारी अल्टरनेट मैनर पे अराइज होगी, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं इन अपोजिट, अपोजिट फैलोटैक्सी क्या होती है। इन अपोजिट टाइप ए पेयर ऑफ लीफ अराइज एट द ईच नोड एंड लाइज अपोजिट टू ईच अदर, यानी एक पेयर जो आप लीफ अराइज होगा वो एक दूसरे से अपोजिट मैनर पे होगा, अराइज अपोजिट मैनर पे होगा। तो ये किसमें किसमें पाई जाती है, ये हमारी कैलोट्रॉपिस और गावा में पाई जाती है। इसके दो एग्जाम्पल हैं कैलोट्रॉपिस और गावा। कैलोट्रॉपिस को हम बोलते हैं मदार बोलते हैं, अकोड़ा जिसको बोलते हैं हिंदी में, अकोड़ा हिंदी में बोलते हैं, कैलोट्रॉपिस को बोलते हैं। गावा हमारा, गावा तो जानते हैं सभी, है ना, ये हमारा होता है। इसमें अपोजिट पाई जाती हैं, अपोजिट टाइप की फैलोटॉक्सी पाई जाती हैं, जो कि हमारी एक जो होगा लीप एयर अराइज होगा ईच नोड से इन अपोजिट ईच अदर से, एक दूसरे से अपोजिट लीप बेस एक पेयर राइज होगा, ठीक है। ये हमारा कैलोट्रॉपिस और गोवा में होगा इसका एग्जांपल, ठीक है। इन मोर देन, अब इसके बाद हम एक और बचा था हमारा तीन टाइप का था वॉल्ड, वॉल्ड के बारे में देखेंगे हम। वॉल्ड क्या होता है, इन मोर देन टू लीव्स राइज एट नोड एंड फॉर्म वॉल्ड, मतलब एक लीव, एक से ज़्यादा लीव, है ना, एक स्थान से कॉमन जगह से राइज हों और वो हमारी जिसको हम क्या बोलते हैं वॉर्ल बोलते हैं, जो कि हमारा एलस्टोनिया में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, एलस्टोनिया में क्या पाया जाता है हमारा वॉर्ल पाया जाता है, वॉर्ल हमारा एलस्टोनिया में पाया जाता है। और जो हमारा था यमेस्सी था यानी मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज, ये हमारा था अल्टरनेट का, ठीक है। और जो हमारा
जीसी था है ना, एमएससी जीसी यानी गोवा और कैलोट्रॉपिक जो हमारा था अपोजिट का था, और जो हमारा था वोल्ड का था, वोल्ड का हमारा था वी ए, एमएससी जीसी वी ए जो हमारा था, एमएससी था अल्टरनेट का और जीसी था यानी गोवा और कैलोट्रॉपिक तो हमारा अपोजिट का, और वी ए यानी वोल्ड था एस्टोनिया का। ठीक है, ये हम याद रखेंगे ट्रिक से, ठीक से याद रखेंगे। अब हमको मॉडिफिकेशन ऑफ लीव, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव के मॉडिफिकेशन क्या होते हैं है ना, लीव भी मॉडिफाई हो जाती हैं किसमें किसमें होती हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव आर ऑप्टन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस। लीव का मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस करना यानी अपना भोजन बनाना है ना, जो ऑटोट्रॉफ प्लांट होते हैं उनमें लीव अपनी फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाती हैं ना। लीव आर ऑप्टन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस, अपने प्राइमरी फंक्शन को छोड़ के वो दूसरे फंक्शन में हेल्प करें तो उसको हम मॉडिफिकेशन बोलते हैं है ना। तो फोटोसिंथेसिस के अलावा भी हेल्प करेंगे, दे कन्वर्ट इंटू टेंड्रिल, टेंड्रिल जो होते हैं हमारे फॉर क्लाइंबिंग एज पी, जो हमारे लीव टेंड्रिल होते हैं वो हमारे पी में पाए जाते हैं यानी मटर के पौधे में पाए जाते हैं, वो हमारे हेल्प करते हैं क्लाइंबिंग में है ना। पी और स्पाइन, और हमारी स्पाइन में, अगर स्पाइन में स्पाइन जो होगी हमारी वो स्पाइन होगी वो डिफेंस में हेल्प करेगी, जैसे हमारे कैक्टस होते हैं नागफनी में, जैसे हमारे जो पी इसमें होते हैं स्पाइन जो होते हैं हमारे कैक्टस होते हैं वो नागफनी जिसको बोलते हैं नागफनी बोलते हैं कैक्टस को, उसमें हमारे स्पाइंस होते हैं है ना। और फ्लैसी लीव्स ऑफ ओनियन एंड गार्लिक, जो हमारी फ्लैसी लीफ होते हैं ओनियन और गार्लिक यानी हमारी जो लहसुन और प्याज की जो लीव्स होती हैं वो फ्लैसी होती हैं, खाने योग्य होती हैं, वो स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करती हैं, गार्लिक स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करती हैं, ओनियन और गार्लिक जो हमारी होती हैं स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करती हैं। इन सम प्लांट, कुछ प्लांट होते हैं इन सम प्लांट सच एज ऑस्ट्रेलियन एकेशिया द लीफ आर स्मॉल एंड शॉर्ट लीफ, इनकी जो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें ऑस्ट्रेलियन एकेशिया हुआ हमारा, इसकी जो लीव्स होती है वो स्मॉल होती है और शॉर्ट लीव होती है यानी ये छोटी होती है और थोड़े समय के लिए रहती है। तो इनमें क्या होता है, जो ऑस्ट्रेलियन एकेशिया होता है इसकी जो क्या होती है लीफ होती है वो क्या होती है स्मॉल होती है ना, ऑस्ट्रेलियन एकेशिया की लीव जो होती है स्मॉल होती है और शॉर्ट लीव होती है। तो इनमें क्या होता है पेटियोल इन दीज प्लांट, इनमें जो पेटियोल होता है जो हमारा लीव बेस से जुड़ा हुआ था और लीव बेस से जुड़ा हुआ था हमारा और लीव ब्लेड को पकड़ के रखा था यानी जो फ्लैटन स्ट्रक्चर था है ना, जो हेल्प कर रहा था स्टॉक टाइप का था है ना, तो वो हमारा क्या होता है स्पेंड बिकम ग्रीन, वो हमारा ग्रीन हो जाता है एंड सिंथेसिस फूड, और हमारा वो फूड के सिंथेसिस में हेल्प करता था। मान लो ये था हमारा, ये हमारी लीव थी ठीक है, तो हम इसको बोल लेते हैं, इसको हम बोल लेते हैं पेटियोल, ये हमारा जो था पेटियोल था और यही हमारा एक्सपेंड हो जाता है यानी फैल जाता है और ये हमारा क्या करता है फूड को सिंथेसिस करता है यानी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है ठीक है। लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट सच एज पिचर प्लांट विनस फ्लाइट रैप आर मॉडिफाइड लीव्स, जो हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं है ना, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं जो कि हमारे इंसेक्ट को अपना फूड बनाते हैं, ये हमारी डिफरेंट उसमें मॉडिफाई हो जाती हैं। लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट सच एज पिचर प्लांट विनस फ्लाइट रैप आर आल्सो मॉडिफाइड लीव, ये भी एक मॉडिफिकेशन ऑफ लीव का मॉडिफिकेशन है। इसमें हमको मॉडिफिकेशन ऑफ लीव के हमको कुछ फिगर्स दिए गए हैं, मॉडिफिकेशन स्टोरेज में हमारा सपोर्ट में हेल्प कर रहा था हमारा सपोर्ट टेंड्रिल जो थे हमारे पी में पाए जा रहे थे है ना, जिसको लीव टेंड्रिल बोलते हैं हम, और हमारे जो कैक्टस थे ये हमारे प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहे थे, कैक्टस जो थे हमारे नागफनी में प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहे थे, ये हमारे लीव जो था हमारा ये सपोर्ट में हेल्प कर रहा था, और ये हमारे जो थे ऑनियन और गार्लिक जिसको हम बोलते हैं लहसुन प्याज, ये हमारे हेल्प कर रहे थे स्टोरेज, इनकी फ्लैसी लीव थी है ना, फ्लैसी लीव थी जो हमारी स्टोरेज में हेल्प कर रही हैं ठीक है। अब हम आगे देखते हैं क्या है हमारा इन्फ्लोरेसेंस के बारे में देखते हैं, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ लेते हैं है ना। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है ये हम देखते हैं, ए फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट, एक जो हमारा फ्लावर है मॉडिफाइड सूट वेयर द सूट एपिकल मेरिस्टम चेंज इनटू फ्लोरल मेरिस्टम,
ये हमारा क्या बता रहा है इसमें टेस्ट में क्या लिखा है, ये लिखा है कि ये फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट, जो हमारा फ्लावर होता है मॉडिफाइड सूट हो जाता है व्हेन द सूट एपिकल मेरिस्टम चेंज इन फ्लावर मेरिस्टम, जो हमारा फूल जो हमारा सूट मेरिस्टम होता है वो फ्लावर मेरिस्टम में चेंज हो जाता है। इंटरनेट डू नॉट इलॉन्ग, इंटरनोड जो होती हैं वो इलॉन्गेट नहीं होती हैं एंड गेट कंडेंट, और हमारी कंडेंस हो जाती हैं इंटरनेट इंटरनोड इलॉन्गेट ना होकर वो कंडेंस हो जाती हैं। द अपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडिजेज, और हमारा जो अपेक्स होता है वो डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडिजेज को प्रोड्यूस करता है, जो कि लेटरली होती हैं सक्सेसिव नोड्स इंस्टेंट द लीप और लीप की जगह होती हैं। ठीक है, व्हेन ए सूट टिप्स ट्रांसफॉर्म इंटू ए फ्लावर, जब हमारा सूट टिप्स होता है, मैंने आपको बताया था ये मान लो सूट है, सॉरी ये सूट है, ये हमारा ये टर्मिनेट हो गया सूट ट्यूब में, यानी ये फ्लावर में टर्मिनेट हो गया है ना, अब यानी टर्मिनेट हो गया, इसके आगे कोई ग्रोथ नहीं होगी है। सो इट्स सॉलिटरी, यहाँ पे सॉलिटरी मतलब होता है अकेला। ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है हमारा, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, उसकी डिफिनेशन के बारे में बताया गया हमको, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्मड इन्फ्लोरेसेंस, यानी अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन फ्लोरल एक्सिस को हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट डेवलप इनटू फ्लावर और कंटिन्यूस टू ग्रो, यानी इसमें जो हमारा होता है एपेक्स जो होता है ना सूट एपेक्स जो होता है वो फ्लावर पे टर्मिनेट हो गया है, अगर वो टर्मिनेट हो जाएगा तो उसकी जो ग्रोथ होगी वो रुक जाएगी, और जो हमारा टर्मिनेट नहीं होगा तो हमारी उसकी ग्रोथ होती रहेगी। तो ये टू टाइप का होता है, डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट डेवलप इनटू अ फ्लावर, अगर एपेक्स उसका फ्लावर में डेवलप हो गया है ना तो वो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, अगर वो कंटिन्यू ग्रो कर रहा है तो उसका अलग कंडीशन होगा। द टू मेजर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आर डिफाइंड, हमको टू मेजर टाइप ऑफ एनसीईआरटी में इन्फ्लोरेसेंस बताए गए हैं, कौन कौन से हैं हमारे, रेसमोस और साइमोस। रेसमोस से ही पता चले हमारा रेस, रेस का मतलब वो आगे बढ़ेगा है ना, कोई बोलते हैं ना रेस कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं तो भाई वो रुकेगा थोड़ी ना, रेस करेगा तो वो आगे चलता जाएगा बढ़ता जाएगा। ठीक है, एंड साइमोस है ना, साइमोस अगर हमको रेसमोस पता हो गया तो साइमोस हम उसका अपोजिट कर देंगे है ना। इन रेसमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, जो हमारा रेसमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस होता है, द मेन एक्सिस कंटिन्यूअस ग्रो, उसमें जो होती है मेन एक्सिस कंटिन्यूअस ग्रो होती है, द फ्लावर बॉर्न ऑन लेटरली इन एक्रोपिटल सक्सेसन, जो हमारे इसमें जो फ्लावर होते हैं एक्रोपिटल सक्सेसन पे बॉर्न होते हैं। एक्रोपिटल सक्सेसन का मतलब जो एक्सिस मान लो ये होगी तो उसमें जो फ्लावर होंगे, जो नए फ्लावर बनेंगे वो एक्सिस की तरफ बनेंगे है ना, न्यू फ्लावर जो होंगे वो एक्सिस की तरफ बनेंगे, तो हम इसको बोलेंगे एक्रोपिटल सक्सेसन है ना। ये हमारा रेसमोस होता है, जो रेसमोस होता है हमारा किस में पाया जाता है, ये हमारा फेवेसी में पाया जाता है और लिलिएसी में पाया जाता है। जो हमारा होता है रेसमोस होता है हमारा, ये फेवेसी फैमिली हमारी दी गई है, फेवेसी में और हमारा लिलिएसी में पाया जाता है। ये लिलिएसी फेवेसी और लिलिएसी में हमारा रेसमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, जो कि हमारा एक्रोपिटल में, इसमें हमारे जो एक्रोपिटल ऑर्डर, एक्रोपिटल को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल। ठीक है, एक्रोपिटल को बोलते हैं सेंट्रीपिटल। ठीक है, सेंट्रीपिटल सक्सेसन होता है, यानी नए जो फ्लावर्स होंगे वो एक्सिस की तरफ बनेंगे। ठीक है, इन साइमोस जो हमारा दूसरा होता है वो साइमोस होते हैं। इन साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट टू फ्लावर, इसकी जो मेन एक्सिस होगी वो फ्लावर पे टर्मिनेट हो जाएगी, हिंस लिमिटेड ग्रोथ, सो उसकी जो ग्रोथ होगी वो लिमिटेड होगी है ना। फ्लावर आर बॉर्न इन बेसिपिटल, जो फ्लावर होंगे वो बेसिपिटल ऑर्डर यानी सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं हम इसको, सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं इसको, बेसिपिटल ऑर्डर को सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। और ये जो हमारा होगा साइमोस जो हमारा पाया जाएगा वो हमारा किस में पाया जाएगा, साइमोस हमारा पाया जाएगा सी से साइमोस सी से सोलेनेसी। ठीक है, सी से साइमोस सी से सोलेनेसी, सोलेनेसी में हमारा जो होगा साइमोस होगा, इसमें जो होगी ग्रोथ रुक जाएगी, और इसमें जो होगा फ्लावर जो होंगे वो बेसिपिटल ऑर्डर पे होंगे, मतलब जो नए फ्लावर होंगे वो नीचे की तरफ बेस की तरफ होंगे, यानी सेंट्रीफ्यूगल होगा। ठीक है, ये याद रखेंगे हम लोग। इसमें हमको रेसमोस एग्जाम्पल दिया गया है, रेसमोस एग्जाम्पल के बारे में हमको इसमें बताया गया है, रेसमोस एग्जाम्पल हमको दिखाया गया है जी।
इसमें जो फ्लावर है कंटिन्यूस ग्रो कर रहा है ना, ये जो फ्लावर है ये कंटिन्यूस ग्रो कर रहा है, ये हमारा जो है रेसमोस एग्जांपल का रेसमोस, जो रेसमोस हमको दिखाया गया है, ठीक है। और ये हमको जो दिखाया गया है ये साइमोस इन्फ्लोरेसेंस दिखाया गया है, ये हमको जो दिखाया गया है ये साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है, यहाँ पे फ्लावर लग गया है यानी इसकी ग्रोथ टर्मिनेट हो गई, ये हमारा बेसिपिटल ऑर्डर पे दिखाया गया यानी सेंट्रीफ्यूगल पे, ठीक है। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, जिसमें हम फ्लावर के बारे में डिस्कस करेंगे और हम फर्दर फिर उसके बाद हम फैमिलीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारी एनसीईआरटी में दिए गए हैं। हमको 3 एनसीईआरटी में फैमिली दिए गए हैं, फेवेसी, सोलेनेसी और लिलियसी। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कवर कर लेंगे, फ्लावर के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, फ्लावर के अपेंडिजेज क्या होते हैं, फ्लावर्स के पार्ट क्या होते हैं, है ना, एंडोसियम, गायनोसियम, कैलिक्स, करोला, ईच एंड एवरीथिंग वी डिस्कस फर्दर वीडियो। सो टेक केयर, बाय बाय, यू हैव ए नाइस डे। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर माई वीडियो विद फ्रेंड्स, एंड इफ यू वॉन्ट टू जॉइन माई सोशल मीडिया हैंडल सो प्लीज लिंक प्रोवाइडेड इन बॉक्स सेक्शन ऑफ माई चैनल एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ माई चैनल, सो प्लीज़ क्लिक द सोशल मीडिया आइकन एंड जॉइन विद अस। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।